Hello everyone, good evening. How are you all? So first of all, I would like to congratulate you all on this very big achievement. You all have cleared your CMA Intermediate examination. A very big congratulations to you all. Now you all are going to step into a very important phase of your CA journey, that is articleship, for which you all have, we all are here. First of all, I would like to take a brief introduction of everyone. So in that introduction, you just have to tell me your name, which stage of CA you are in, and if you are already doing articleship, which year you are in and which firm you are doing from. Okay, so we'll start from you, ma'am. Hello. Okay, so are you doing internship anywhere? Okay, thank you. Thank you, Preeti. Okay, thank you. So you are going to start articleship. Very good. Okay, thank you. Okay, so you have already first year article. Okay, thank you, Nidhi. Thank you. Thank you. Okay, thank you. So I am CA Samiksha Setia, as sir already introduced you all to me. I am going to take the first session of your articleship induction. The subject of the first session is choosing the right firm. Okay, we'll talk about choosing the right firm, and the topics to be covered are cleared CA intermediate, what next? जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों का हाल है कि मैम CA इंटर तो हो गया, अब आगे हम लोग को कैसे क्या प्रोसीड करना है. कोई हमको कह रहा है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करो, कोई कह रहा है IT ट्रेनिंग करो, कोई कह रहा है आर्टिकलशिप रजिस्टर करो, फिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इंस्टीट्यूट में सबमिट करने, फिर ट्यूशंस भी ज्वाइन करनी है. तो आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है ये मैं आपको बताऊंगी. द नेक्स्ट टॉपिक इज वाई आर्टिकलशिप. तो कुछ लोगों के चेहरे में देख रही थी जब आर्टिकलशिप की बात हो रही थी कि भाई क्यों कराया जा रहा है हमसे आर्टिकलशिप. तो आई विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकलशिप फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. नेक्स्ट आर्टिकलशिप प्रोसीजर, इसमें हम कुछ ICAI के रेगुलेशंस की बात करेंगे. एक आर्टिकल होने के नाते हमको क्या रेगुलेशंस है इंस्टीट्यूट की जो पता होनी चाहिए. नेक्स्ट वेरी हॉट टॉपिक, बिग फोर और मिड साइज फर्म्स. सो अ लॉट ऑफ अस हैव कंफ्यूजन्स व्हेन वी जॉइन फॉर आर्टिकलशिप कि हमें बिग फोर्स में जाना चाहिए और वी शुड ऑप्ट फॉर अ मिड साइज फर्म्स. सो हो सकता है आपकी कुछ कंफ्यूजन्स इस सेशन से क्लियर हो जाए. देन वील टॉक अबाउट डिफरेंट वर्क प्रोफाइल्स. एज एन आर्टिकल आपको क्या क्या वर्क एरियाज एक्सपीरियंस करने मिलेंगे इन योर आर्टिकलशिप, वील टॉक अबाउट दैट. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्स इन आर्टिकलशिप. And the last topic is industrial training. You might be knowing what industrial training is. तो मैं कुछ आपको और brief करूंगी कि industrial training के क्या pros and cons है, whether you should go for it, whether you should not go for it. So these are the, this is the agenda that we'll be covering in our first session. Okay? कुछ relate कर पा रहे हो खुद से? हाँ, ऐसा ही हाल होगा कि भाई pass तो हो गए, अब जब दिन भर पार्टी वार्टी करके रात को आके थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करते हैं, तब लगता है यार अब आगे क्या करना है, कौन सी फॉर्म में जाएं, क्या ट्यूशन स्टार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. तो एक टाइमलाइन है इस स्लाइड के बाद जिसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू हैव टू फॉलो नाउ दैट यू हैव क्लियर्ड योर CA इंटरमीडिएट. खुश तो बहुत हो गए सब क्लियर्ड इंटर. Now, you, as you all know, you have to complete your IT training and orientation before commencement of articleship.
बहुत लोगों ने कर ली होगी ऑब्वियसली, जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनकी तो ट्रेनिंग्स हुई हुई है. जो ज्वाइन करने वाले हैं आपको आर्टिकलशिप कमेंसमेंट के पहले ये दोनों ट्रेनिंग्स कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू चूज द राइट फर्म फॉर यू. ओके, माइंड इट, फॉर यू है यहाँ पे, ठीक है. राइट और रॉन्ग एक बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है. जो मेरे लिए राइट है वो अंकित के लिए नहीं भी राइट हो सकते हैं, वो प्रीति के लिए नहीं भी राइट हो सकते हैं. तो राइट और रॉन्ग एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है. देर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विच वील कवर इन आर नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, जिसके ऊपर आप अपने आप को मेजर करोगे वेर यू स्टैंड एंड वॉट काइंड ऑफ अ फर्म यू शुड गो फॉर, ठीक है. तो यू हैव टू चूज द राइट फर्म फॉर यू. नेक्स्ट यू हैव टू सबमिट द वेरियस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विद ICAI. अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम सबका गोल यहाँ क्या है, हम सबका गोल है एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना. तो उसके लिए प्लानिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच मेनी ऑफ अस फेल टू डू, ठीक है. इनिशियली जब इंटर क्लियर हो जाता है तो हम सोचते हैं यार अभी तो थोड़ा आराम करते हैं, 6-8 महीने आराम करेंगे, फिर ट्यूशन व्यूशन देखा जाएगा क्या करना है. बट प्लानिंग एट दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन टुमारोज वर्कशॉप द लास्ट सेशन इज टाइम मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन विच सतीश सर विल बी टेकिंग. तो वो आपको ट्यूशन टाइमलाइन आपको कैसे प्लान करनी चाहिए उसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड करेंगे. नेक्स्ट, आप जो ट्यूशन टाइमलाइन प्लान करते हो उसके हिसाब से यू हैव टू ज्वाइन योर क्लासेस. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अपियर फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट. आप लोगों को पता है आपका आर्टिकलशिप का भी अब से एक एग्जाम होगा, एक नहीं दो एग्जाम्स होंगे आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप के बाद. आपको दो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट के लिए बैठना पड़ेगा, विच अगेन ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि आर्टिकलशिप कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए करनी, ठीक है. बहुत लोग होते हैं जो आर्टिकलशिप इतना डिलिजेंटली नहीं करते हैं, वो बहुत लाइटली लेते हैं अपने वर्क को. बट माइंड इट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आप जॉब करोगे, वेन यू स्टेप इन टू कॉर्पोरेट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द रीजन वाई इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट फॉर यू ऑल. तो इसकी डिटेल्स भी वील कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. Then before appearing for the CA final examination, you have to sit for two trainings again, which is MCS and Advanced ITT. ये आपको CA final exam में बैठने के पहले करनी होती है. जैसे orientation और IT training हम exam clear करने के बाद करते हैं, वैसे MCS और Advanced ITT आपको अपने exam से पहले करनी है. तो आपको हमेशा अपना टाइम उस अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स भी 15-15 डेज ईच की होती है. तो इट इज दिस टेक्स टाइम, ठीक है. तो हमको अपना टाइम अभी से इस हिसाब से प्लान करना चाहिए. कीप काम, इट्स टाइम फॉर सीए फाइनल एग्जाम. सो वी हैव टू प्रिपेयर आर सेल्व वेल. हमें अच्छे से प्रिपेयर होके फाइनल एग्जामिनेशन देना है एंड फाइनली ज्वाइन द लीग. We are all here to welcome you to the fraternity. हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा students अच्छे chartered accountants, successful chartered accountants बने. So this is the timeline जो आपको follow करनी है after clearing your intermediate exam. The very big question, why articleship? क्यों कर रहे हैं हम ये? So articleship helps us in developing necessary skills in applying theoretical knowledge to practical situations. हम जो थ्योरी इतना पढ़ते हैं, अभी तक इंटर में आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स को आपने डील किया है, तो उसको हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करेंगे, ये हमें आर्टिकलशिप सिखाता है. इनकलकेट्स अ डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको कह दिया जाए कि आप इंटर दे दो एग्जाम, फिर 3 साल आप कुछ मत करो, आप ट्यूशन करो, पढ़ाई करो और फिर आपको फाइनल एग्जाम देना है, तो कितने लोग यहाँ पे है जो 3 साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे अगर आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन रखने वाला एक माध्यम ना हो तो. हम में से बहुत हम लेथार्जिक हो जाते हैं कि ठीक है करेंगे, 6 महीना बात करेंगे, 8 महीना बात करेंगे. बट आर्टिकलशिप एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आती है फॉर द नेक्स्ट कमिंग 3 इयर्स, ठीक है. सो इट इनकल्केट्स अ डिसिप्लिन एटीट्यूड, इम्बाइब्स ड्यू प्रोफेशनल ओरिएंटेशन. बिफोर यू स्टेप इन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है. तो वो प्रोफेशनलिज्म आर्टिकलशिप से आपके अंदर बहुत हद तक आता है. डेवलप्स एथिकल वैल्यूज. सपोज मैं आपको बोल देती हूँ, चलो आप अभी इंटर क्लियर किए हो, अब आपको 2.5 इयर्स का टाइम मिल रहा है, आप पढ़ाई करो, आप ट्यूशन करो, देन यू सिट फॉर द फाइनल एग्जाम. आपका फाइनल एग्जाम क्लियर हुआ एंड यू स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स, आपका ऑल इंडिया रैंक आया और अब आपकी जॉब लग गई ITC में सपोज, ठीक है.
आप जाके काम कैसे करोगे आईटीसी में? क्या आपको वर्क एथिक्स पता है क्या होते हैं? क्या आपको पता है कॉर्पोरेट कल्चर किसे बोलते हैं? नहीं, आपको तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं हुआ है. तो आर्टिकलशिप हमें ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है जिससे जब हमारी जॉब लगे फ्यूचर में, जब हम कॉर्पोरेट्स में एक्चुअल में जाएं, तो हम वहां के एथिकल वैल्यूज को अच्छे से समझ सकें, वर्क एथिक्स समझ सके क्या होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. जैसा कि पहले भी मैंने बोला, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए आर्टिकलशिप तैयार करती है. अब कुछ प्रोसीजर आईसीआई के रेगुलेशंस हम देखेंगे. जिन्होंने आर्टिकलशिप नहीं ज्वाइन किया, ये सिर्फ उनके लिए है कि आपको दो फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट से, इंस्टीट्यूट के साथ, फॉर्म 102 एंड 103. 102 इज बेसिकली अ डीड ऑफ आर्टिकल बिटवीन योर प्रिंसिपल एंड योरसेल्फ. वो आपको डुप्लीकेट में बनाना पड़ेगा, एक आप अपने पास रखोगे, एक आपको इंस्टीट्यूट में देनी है. ठीक है, वो आपको एक आपको प्रिंसिपल को देनी है, आई एम सॉरी, प्रिंसिपल को देनी है, आपको इंस्टीट्यूट में इसको नहीं सबमिट करना होता है. नेक्स्ट, फॉर्म 103 कंटेन्स वेरियस पर्टिकुलर्स जो आपको फिल करने हैं ट्रिप्लीकेट में, इसकी एक कॉपी आपको इंस्टीट्यूट में सबमिट करनी. अब ये फॉर्म्स आपको कहां से मिलेंगे? ये आपको इंस्टीट्यूट की साइट में, स्टूडेंट सेक्शन में, कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में, यू कैन फाइंड दीज फॉर्म्स, यू कैन डाउनलोड. अभी तो ऑनलाइन सबमिशन का भी ऑप्शन एक आ गया है, तो आप ऑनलाइन भी इसे सबमिट कर सकते हो. ठीक है, तो अब आपके पास एक ऑप्शन होता है, 3 इयर्स, या तो आप आर्टिकलशिप करो, 3 इयर्स आर्टिकलशिप करो, और या फिर आप 2 इयर्स आर्टिकलशिप करके लास्ट जो ईयर होता है उसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो. ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिनिमम आपको 9 मंथ्स की करनी होगी, एंड एक साल तो कर ही सकते हो आप. ठीक है, उसके लिए हम फॉर्म 104 सबमिट करते हैं. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपको करनी है तो आपको फॉर्म 104 सबमिट करना होगा. दिस इज द मिनिमम स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड जो नए आर्टिकल्स हैं उनके लिए हैं. ठीक है, ये मिनिमम होता है, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ ऑफिसेज में मिनिमम से ज्यादा भी ऑफर किया जाता है. तो टीयर वन सिटी में आ जाता है कोलकाता, तो हमारी 2000 होती है फर्स्ट ईयर में, 2500 इन द सेकेंड ईयर, एंड 3000 इन द थर्ड ईयर. नाउ वी कम टू वर्किंग आवर्स एंड लीव्स अलाउड. वर्किंग आवर्स शुड बी 35 आवर्स इन अ वीक. मिनिमम 35 आवर्स इन अ वीक होते हैं एक्सक्लूडिंग लंच आवर्स. एंड ऑफिस आवर्स शेल नॉट जनरली बी बिफोर 9 AM और आफ्टर 7 PM. नॉर्मल वर्किंग आवर्स शेल नॉट स्टार्ट आफ्टर 11 AM और एंड बिफोर 5 PM. ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले, कि आपको 9 बजे के पहले तो नहीं बुलाया जाएगा, पर बुलाया जा सकता है. ठीक है, काम होगा तो बुलाएंगे. एक्सटेंजेंसीज के केस में वर्क प्रेशर होता है, तो यू कैन बी कॉल्ड, या लेट तक भी रुकने बोलेगा. In case of exigencies of work, an articled assistant may be required to work beyond his or her normal working hours, which shall not exceed 45 hours in a week. ठीक है, और आपको लीव जो मिलती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लीव आपको मिलती है एट द रेट ऑफ 1/6 ऑफ द पीरियड यू हैव एक्चुअली सर्व्ड. सो इफ आई हैव सर्व्ड फॉर सपोज 36 डेज फॉर एग्जाम्पल, तो आई विल गेट 6 डेज का लीव. 1/6 मिलती है और मैक्सिमम इज 156 डेज. ठीक है, नाउ द हॉटेस्ट टॉपिक, बिग फोर्स और मिड साइज फर्म. क्या चूज करना चाहिए, हमें बिग फोर में जाना चाहिए या मिड साइज में जाना चाहिए? किसी के मन में है ये कन्फ्यूजन कि बिग फोर में जाना है या मिड साइज में जाना है? आपको ट्रांसफर लेना है तो आप सोच रहे हो कि बिग फोर में जाना है? बिग फोर में जाना है, ओके. एनी वन एल्स? आप लोग नए ज्वाइन करने वाले हो, बिग फोर नहीं, मिड साइज, बिग फोर, एनी वन एल्स? ठीक है, तो हम देखेंगे बिग फोर और मिड साइज के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सी फर्म में जाना चाहिए. तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही है, ये है एक बड़ी शिप विच इज बिग फोर. अच्छा, बिग फोर पता है ना सबको, टॉप 4 CA फर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड, डिलॉयट, KPMG, EY एंड PwC. और ये है हमारी छोटी सी शिप विच इज द मिड साइज फर्म्स और स्मॉल फर्म्स. तो ये डिसाइड करने से पहले कि हमें बिग फोर में जाना है या मिड साइज फर्म में जाना है, यू शुड बी क्लियर अबाउट योर अल्टीमेट गोल. ठीक है, आपको सीए बनना, सीए तो सबको बनना है, ठीक है, पर अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको कौन सी फील्ड में जाना है, वो आपको अभी डिसाइड करना होगा इफ यू वॉन्ट टू मेक द राइट डिसीजन ऑफ विच फर्म यू वॉन्ट टू गो टू. ठीक है, सो देर आर वेरियस ऑप्शंस. एक होता है वर्क इन द इंडस्ट्री एज अ सीए. ठीक है, आप कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो, कंपनी ज्वाइन करते हो इन द रोल ऑफ अ सीए, यू आर अ सीए ओवर देयर. ठीक है, एक ये रोल होता है.
इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर आप कोई जॉब प्रोफाइल में जाते हो जहां पे आपको एक कंपनी में एज ए सीए रखा जाएगा, तो वहां लोग आपकी स्पेशलाइजेशन देखते हैं। द इंटरव्यूअर विल सी कि आप कितने स्पेशलाइज्ड हो इन अ पर्टिकुलर फील्ड, मे बी जीएसटी, मे बी इनकम टैक्स ऑडिट, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आप जिस भी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होगे वहां आपको उस डिपार्टमेंट में एज ए सीए रखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और होता है परस्यू सीए प्रैक्टिस। पता है ना प्रैक्टिस क्या होता है, ठीक है। हम अपनी खुद की ऑफिस खोलते हैं, वी आर एन एंटरप्रेन्योर। तो इस केस में आपको फ्रॉम द स्क्रैच हर चीज अपना ऑफिस का आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिस, तो आपको एक फोटोकॉपी करने से आईटीआर कैसे फाइल करते हैं, कंप्लायंसेस कैसे करते हैं, सब कुछ आना चाहिए। तो इस केस में रेकमेंडेड होता है कि आप एक मिड साइज फर्म चूज करो। अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो इट्स रेकमेंडेड दैट यू गो फॉर अ मिड साइज फर्म, क्योंकि वहां पे आपको एक वाइड रेंज ऑफ वर्क सिखाया जाता है, ठीक है। इट्स नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क, आपको वहां बहुत कुछ सीखने मिलता है। नेक्स्ट, अगर किसी का फर्दर स्टडीज का प्लान है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है किसी को फ्यूचर में सीए बनने के बाद एमबीए करने की एस्पिरेशन हो, और आईएएस बनना हो किसी को, ठीक है। तो फर्दर स्टडीज अगर आपको करनी है तो यू शुड गो फॉर अ फर्म इन विच यू विल गेट एडिक्वेट टाइम फॉर प्रेपरेशन। क्योंकि क्या होता है, अगर हमें फर्दर स्टडीज करनी है तो हम लोग का सीए बनने का ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ये होना चाहिए कि हम जितना जल्दी से जल्दी हो सके सीए बन जाएं, क्योंकि हमको फ्यूचर में और पढ़ाई भी करनी है, वी हैव टू स्टडी फर्दर। सो आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन दैट केस इज टू कंप्लीट सीए एज सून एज पॉसिबल, बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज सून एज पॉसिबल। तो इन दिस केस अगेन यू शुड गो फॉर अ फर्म इन विच यू विल गेट एडिक्वेट टाइम फॉर स्टडीज। सो दीज आर सम पैरामीटर्स, ठीक है। ये गोल आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप सही फॉर्म को चूज कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है, हम चूज तो कर लेते हैं एक ऐसी फॉर्म को जो बहुत अच्छी है, बहुत रेप्यूटेड है, ठीक है, पर बाद में हमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। आपका प्लान है फर्दर स्टडीज का, एमबीए करना है, और आप बन नहीं पा रहे हो सीए, ठीक है। तो उस केस में आपको एक ऐसी फॉर्म चूज करनी चाहिए जहां पे आपको पढ़ाई के लिए एडिक्वेट वर्क टाइम मिलेगा। नेक्स्ट, अगेन देयर इज अ रोल ऑफ वर्किंग इन द इंडस्ट्री इन अ रोल अदर देन दैट ऑफ अ सीए, ठीक है। आपको एक कंपनी में अपॉइंट किया जाएगा इन अ रोल नॉट दैट ऑफ अ सीए। फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एडवाइजर, यू आर अ कंसल्टेंट, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हो, तो उस केस में भी आपकी स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो अब बहुत लोग होंगे यहाँ जो अभी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, कंफ्यूजन है मैम कि जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है, अभी तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। बट एक क्लैरिटी आपको दिमाग में कहीं ना कहीं लेके आनी पड़ेगी अगर आपको राइट डिसीजन लेनी है। तो आप कब तक ये कहोगे कि यार क्लैरिटी कैसे लेके आए, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आपको एक क्लैरिटी जब आप लाओगे दिमाग में तभी आप राइट स्टेप ले पाओगे, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग इन अ बिग फोर, ऑफ ज्वाइनिंग अ बिग फोर। प्रोज में आता है सबसे पहले वर्किंग विद बिग शॉट क्लाइंट्स। इफ यू आर वर्किंग इन अ बिग फोर यू विल डील विद क्लाइंट्स कुछ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, टाटा मोटर्स, कुछ इस टाइप के आपके क्लाइंट्स होंगे। तो सुनने में अच्छा लग रहा है ना कि जाके रिलायंस का ऑडिट किए, जाके प्रॉक्टर एंड गैम्बल या आईटीसी का ऑडिट किए, अच्छा लग रहा है ना सुनने में। तो अच्छा लग रहा है सुनने में भी, और यू विल डील विद कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड ट्रांजैक्शंस एज वेल, ठीक है। स्मॉल क्लाइंट्स में वो चीज नहीं देखने को मिलता है, जो नई नई रूल्स रेगुलेशंस आती है वो सबसे पहले आपको टॉप कंपनीज में देखने को मिलेगी। तो प्रो है ये एक बिग फोर ज्वाइन करने का कि आप बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करोगे। कॉरपोरेट फील, ऑब्वियसली बहुत लोगों से, नए नए लोगों से आप डेली मिलोगे, नए नए क्लाइंट्स के जाओगे, तो एक कॉरपोरेट फील, एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप होता है बिग फोर ज्वाइन करने से। नेक्स्ट, अ वेरी बिग एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग अ बिग फोर इज यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज। अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज मतलब बिग फोर में जब आप आर्टिकलशिप में ज्वाइन करोगे यू विल बी प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, से फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम करोगे फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स, तो यू विल बी स्पेशलाइज्ड, आप मास्टर बन जाओगे स्टैट्यूटरी ऑडिट के, विच हेल्प्स इन योर जॉब्स। जब आप जॉब करने जाओगे तो स्पेशलाइजेशन बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, इजी एंट्री इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब आपका एक सीवी में थप्पा लग गया, सील ऑफ अप्रूवल कि आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरव्यूअर के मन में बायस रहता है। बायस इंटरव्यूअर के मन में भी, और बहुत कंपनीज का क्राइटेरिया भी ऐसा होता है। जब आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे तो कुछ कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि फर्स्ट दे विल चूज, दे विल प्रेफर द रैंक होल्डर्स, जिनकी रैंक आई है।
इफ नॉट द रैंक होल्डर्स जिन्होंने बिग फोर से आर्टिकलशिप की है. तो देयर यू गेट अ प्रेफरेंस, आपको आपका शॉर्टलिस्टिंग का चांसेस ज्यादा हो जाता है वहां पे. गुड स्टाइपेंड, स्टाइपेंड बिग फोर में अच्छा मिलता है कंपेयर्ड टू स्मॉल फर्म्स. नेक्स्ट द नेम ऑन योर रेज्यूमे, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है. एक हैलो ऑफ लाइट, हैलो ऑफ लाइट पता है जो भगवान लोग के पीछे हम देखते हैं, तो वो आ जाता है बिग फोर में आर्टिकलशिप करने से एंड इट कंटिन्यूज, ठीक है. बट अगेन उसके कुछ कॉन्स भी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है. बिग फोर में आर्टिकलशिप आप करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, वहां पे ट्रेनिंग्स कराते हैं, बहुत सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं जो आपको अटेंड करने होते हैं. तो दीज आर द प्रोज ऑफ ज्वाइनिंग अ बिग फोर. अब साथ ही साथ हर चीज का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो होता है ना, होता है या नहीं होता है, होता है. तो बिग फोर ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ ऐसा है. हायर प्रेशर ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, आपके वर्किंग आवर्स इज नॉट फिक्स्ड. आने का टाइम फिक्स्ड है, वो फिक्स करते हैं आने का टाइम, और जाने का टाइम भी वही डिसाइड करते हैं, फिक्स नहीं होता है, ठीक है. तो आपका कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर क्रिएट करता है व्हेन यू गो फॉर योर स्टडीज, आप ट्यूशंस और ये सब करने, जब पढ़ाई करने जाते हो तो कहीं ना कहीं ये एक इम्पैक्ट करते हैं, आपका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. तो इफ यू आर समवन हु कैन हैंडल प्रेशर वेल, ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है. आप हो सकते हैं बहुत अच्छे से प्रेशर मैनेज करते हो, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे लिए बिग फोर सही नहीं है. तो जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, सबको अपनी अपनी कैपेबिलिटीज पता होती है, सेल्फ पोटेंशियल सबको पता होता है, अपने अंदर तो पता है, बाहर वालों को चाहे कुछ भी दिखाएं, खुद को तो पता है कि यार मैं कितना ले सकती हूँ या मैं कितना ले सकता हूँ. तो अगर इफ यू कैन हैंडल प्रेशर वेल तो यू कैन गो फॉर अ बिग फोर. लैक ऑफ डाइवर्स एक्सपोजर, जैसे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज होती है. इफ यू आर प्लेस्ड इन द से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट तो आपको टैक्सेशन की इतनी नॉलेज नहीं भी हो सकती है, ठीक है. मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम नहीं हो सकती है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी आप कुछ कंप्लायंसेस के पार्ट ऑब्वियसली चेक करते हो, बट जो थॉरो नॉलेज, जो इनडेप्थ नॉलेज होती है टैक्सेशन या एक पर्टिकुलर फील्ड की, वो आपको नहीं मिलेगी. आपको डाइवर्स एक्सपोजर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेशलाइज. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया मैं बोलूंगी. नेक्स्ट इज फीलिंग लॉस्ट इन अ लार्ज फर्म, ठीक है. देर आर मेनी ऑफ अस कि हम जब बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं, इतने लोग होते हैं कि हम इतना सा महसूस करते हैं खुद को, ठीक है. वी फील लॉस्ट कि यार कहाँ आ गए, इतने बड़े बड़े लोग हैं और हमको तो ठीक से इंग्लिश में बात भी नहीं करनी आती, हम तो किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. तो यू मे फील लॉस्ट वेन यू आर इन अ लार्ज फर्म. लेस टाइम फॉर सेल्फ प्रेपरेशन, एज आई ऑलरेडी सेड, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है तो आपको प्रेपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, उसके लिए आपको कम टाइम मिलता है. बट अगेन इसके लिए आपके पास यू हैव पेन ड्राइव क्लासेस एट योर डिस्पोजल. वी एट एसजीएसई हैव बीन अ पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग पेन ड्राइव क्लासेस, बाकी टीचर्स भी पेन ड्राइव क्लासेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उनको ऑप्ट करके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाई भी कर सकते हो, ठीक है. जैसे ऑल इंडिया रैंक वन अभी जिसका आया, पता है नाम, यस, सिद्धांत भंडारी, ऑल इंडिया रैंक वन, ही हैज डन हिज आर्टिकलशिप फ्रॉम केपीएमजी. तो ऐसा नहीं है कि बिग फोर से अगर आप आर्टिकलशिप करते हो तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं या हम लोग की रैंक नहीं आ सकती है, इफ एनी वन इज एस्पायरिंग फॉर अ रैंक, ऐसा नहीं होता है. आप अगर आपको कुछ करना है, ठान लिया कि यार चाहिए ये चीज, तो पक्का पूरी कायनात पता ही होगा. नेक्स्ट, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग अ मिड साइज फर्म. What are the pros and cons of joining a mid-size firm? Pressure कम होता है, working hours कम होती है, ठीक है, तो उस हिसाब से pressure कम होता है. Close knit groups मतलब you can directly approach your senior या partner level पे भी आप directly approach कर सकते हो, जबकि आप अगर big four में जाते हो तो you have to go through several, एक hierarchy होती है वहां पे, एक organizational hierarchy जिसको अपने बोलते हैं, तो आपको वो follow करनी पड़ती है for any communication. यहाँ पे आप directly अपने seniors, partner या फिर principal को approach कर सकते हो, तो एक close knit group रहता है जिससे आपको भी बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलता है. Next, multitasking office ecosystem. कोई बताएगा मुझे ये क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है टर्म से? एनीवन? बहुत सारे, सॉरी, अच्छा, मल्टीटास्किंग ऑफिस इकोसिस्टम. एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? डरो मत यार, एकदम मैं भी तुम लोग के जैसी हूं, बस लास्ट ईयर ही सीए बनी हूं. बोलो, कोई तो बोलो, इंटरेक्ट करो. You mean exposure limited है,
बिग फोर में एक्सपोजर है, यहाँ पे डाइवर्स एक्सपोजर है, ठीक है, वो हम ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस में कवर करेंगे, आपका पॉइंट सही है. बट मल्टीटास्किंग ऑफिस इकोसिस्टम, व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे आपको एक पेपर को जेरोक्स करने भी, फोटोकॉपी करने भी बोला जाएगा, स्कैनिंग करने भी बोला जाएगा, और फिर हाँ प्रिंटिंग, स्टैंपिंग, जेरोक्स, फाइलिंग करो पेपर को, ठीक है. और फिर आपसे ऐसा नहीं है, आपसे रिटर्न्स भी फाइल कराए जाएंगे, आपसे आरओसी का भी काम करवाया जाएगा, हाँ पासबुक सब कुछ करवाएंगे, ठीक है. तो ये मल्टीटास्कर आप बन जाते हो, तो आप बिग फोर में ये एडवांटेज आपको नहीं मिलता है. नेक्स्ट इज एडिक्वेट टाइम फॉर स्टडीज, प्रेशर कम होता है तो पढ़ाई के लिए एडिक्वेट टाइम आपको मिलता है, यू कैन अटेंड योर क्लासेस, आप अपने हिसाब से सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम आपके पास ज्यादा होता है. ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस, एज ही सेड कि हमने हर फील्ड का डाइवर्स एक्सपोजर रहता है एक, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट भी आप करोगे, बैंक ऑडिट्स भी करोगे, आप इंटरनल ऑडिट भी करोगे, आप टैक्सेशन इंडिविजुअल फाइलिंग भी करो, इंडिविजुअल्स की फाइल्स करोगे, ठीक है, तो आपको एक आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स फाइनलाइजेशन भी करोगे, तो देयर इज अ वाइड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस इफ यू गो टू अ मिड साइज फर्म. नेक्स्ट कॉन्स क्या है, स्मॉल क्लाइंट्स, एक्सपोजर कम होता है. इसमें क्या होता है, आपके क्लाइंट्स छोटे छोटे होते हैं, तो छोटे क्लाइंट्स होने से क्या होता है, कई बार अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो, मतलब आप बुक्स में पढ़ोगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बैलेंस शीट में ये ऐसे ऐसे करते हैं, बट आपके क्लाइंट बोलेगा नहीं हम तो नहीं करेंगे ऐसे, हमारा तो सालों से ऐसे ही चलता है, आपके सर को पता है ऐसे ही करते हैं हम, आपकी मैम को पता है ऐसे ही करते हैं हम, तो ये क्या होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्लाइंट्स कई बार मिलते हैं स्मॉल क्लाइंट्स में, तो उस हिसाब से आपका जो एक्सपोजर है वो कम होता है. नेक्स्ट स्टाइपेंड मिनिमम होता है, आईसीआई बढ़ाने का एक प्रपोजल ला रहा है, हो सकता है जब तक आप आर्टिकलशिप में जाओ तब तक स्टाइपेंड कुछ इंक्रीज हो जाए, बट जो भी है हमारा ये एक ट्रेनिंग फेज है, ठीक है, हमको सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, तो स्टाइपेंड मिनिमम है तो ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, सीखने को मिल रहा है ना, नहीं करोगे हाँ ठीक है. इंस्टीट्यूट एक प्रपोजल ला रहा है, रिकमेंडेशन चल रही है, बातें उस पर इंक्रीज होने के चांसेस है. नेक्स्ट एक और कौन है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, आपको एक वाइड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है, बहुत सारे एरियाज में आप काम करते हो, पर आप एक पर्टिकुलर एरिया के मास्टर नहीं बन सकते, यू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, काम आपको सारा आता है, हम इनकम टैक्स भी रिटर्न भी फाइल करना जानते हैं, हम जीएसटी रिटर्न भी फाइल करना जानते हैं, हमें एंड डेज के हिसाब से बैलेंस शीट भी बनानी आती है, बट आर यू अ मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर फील्ड, आप मास्टर नहीं बन पाते हो किसी में, ठीक है. तो ये है कुछ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग अ मिड साइज फर्म. तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही होती है, जब हम एक लार्ज फर्म को ज्वाइन करते हैं, एक बिग फोर को ज्वाइन करते हैं, तो हम उस बड़ी सी फर्म का एक छोटा सा पार्ट बन के रहते हैं, और जब हम एक मिड साइज फर्म ज्वाइन करते हैं तो हम उस छोटी फर्म का एक बड़ा हिस्सा बनते हैं. तो सही और गलत कुछ नहीं होता, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपको क्या चूज करना है, द चॉइस इज योर्स, बट सिचुएशन कुछ ऐसी ही होती है. तो दीज आर अ फ्यू पैरामीटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी फर्म में जाना चाहिए. अ फ्यू पैरामीटर्स विच आई कुड थिंक ऑफ, ठीक है, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है. तो मैं एक स्टोरी बताऊंगी, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, He is also a qualified chartered accountant. उसकी rank आई थी all India rank. He is also a CFA. उसने FRM भी किया है, उसने CS भी की है, and he is a graduate from St. Xavier's College. ठीक है, तो एक दिन मैंने पूछा यार तू टाइम कैसे मैनेज करते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर यू कि तू इतने सारे कोर्सेज कर रहे हैं, देन यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक वन और तू Xavier's एक रेगुलर कॉलेज में भी जा रहे हैं. तो इज लाइक यार मैं बचपन से मेरा ऐसा ही रहा है, मेरा हो जाता है, ठीक है, हाँ हो जाते हैं. तो देर आर पीपल हु आर गुड एट मैनेजिंग टाइम, आपको डिसाइड करना है आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो क्या, क्योंकि सी एक सीए बनना अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो आप अपने वर्क के साथ अपना पढ़ाई का टाइम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आपको रेगुलर स्टडी करनी है, तभी ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसको बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट सीए की कोई कंपैरिजन नहीं होती है, तो आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आप अब ब्रेक नहीं ले सकते हो कि यार अब इंटर क्लियर हुआ है थोड़ा ब्रेक लेके फिर पढ़ेंगे, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस. तो टाइम मैनेजमेंट आपको देखनी है, आप कितने अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाते हो.
और ऐसा नहीं है कि हम बचपन से मेरा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरा, तो अब आगे भी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. यू कैन ऑब्वियसली, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. ठीक है, वो खुद के अंदर से आना चाहिए कि हाँ मेरे को इम्प्रूव करना है. आई विल मेक एन अटेम्प्ट टू मैनेज माई टाइम वेल. अगर मैं बिग फोर में भी जा रहा हूं तो मेरे को पेनड्राइव क्लासेस लेनी है, मेरे को सेल्फ प्रिपरेशन को कभी भी रोकना नहीं है. नेक्स्ट इज कॉलेज. अगेन इट इज अ वेरी बिग हिंड्रेंस फॉर मेनी ऑफ अस जिनकी रेगुलर कॉलेज होती है, तो आपको कॉलेज भी जाना पड़ता है, फिर आप ऑफिस भी हाई लॉन्ग वर्किंग आवर्स की एक ऑफिस में भी जा रहे हो, फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो उसके हिसाब आपको अपनी कॉलेज को भी कंसिडर करना है ये डिसीजन लेते टाइम. हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट. वी नेग्लेक्ट इट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड डिसीजन मेकिंग. जब हम डिसाइड करते हैं कोई चीज तो हम हेल्थ को भूल ही जाते हैं, यार हम तो सब कर लेगा, हो जाएगा मेरा. हेल्थ, आप अपनी हेल्थ को सबसे पहले कंसिडर करो. क्या आपकी हेल्थ परमिट करती है कि आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स में, मतलब ऑफिस में ज्यादा टाइम काम करो, फिर आप पढ़ाई भी करो, आप कॉलेज भी जाओ, क्या आपकी हेल्थ इतना परमिट करती है? अगर मेरे को पता है कि मेरे से इतना नहीं होगा, बहुत लोड क्यों लेना है इतना लाइफ में? नहीं, कोई कोई जरूरत नहीं. अपने आप को स्ट्रेस नहीं करना है. आप अपनी हेल्थ को कंसिडर करोगे व्हेन डिसाइडिंग आपको किस फॉर्म में जाना है. नेक्स्ट, लाइफ स्टाइल. वट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल डू यू वॉन्ट? आपको पूरा पैक्ड शेड्यूल चाहिए? ठीक है, बहुत लोग होते हैं ऐसे. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कोई होता नहीं है ऐसे. बहुत होते हैं जिनको चाहिए कि मेरा शेड्यूल सुबह 6 से रात को 10-11 तक पैक्ड रहे. आई कैन नॉट स्टे आइडल फॉर इवन अ सिंगल सेकेंड. बहुत लोग होते हैं. तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल कैसी चाहिए. नेक्स्ट, सेल्फ पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज. इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ पहले. ठीक है, सेल्फ पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी, आपको इसको मेजर करना ही करना है कि आप कितना कर सकते हो. आपको पढ़ाई भी मैनेज करनी है आपको. तो मैं ये रेकमेंड करूंगी सबको, यू शुड ऑलवेज यू नो नोट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर कि क्या क्या एरियाज है जिसको कंसिडर करके आपको डिसाइड करना है. ठीक है, कि मेरे को पढ़ाई तो करनी है, ट्यूशन में जाना है, मेरे को ऑफिस भी जाना है, फिर अगर आपकी कॉलेज है या इफ यू आर डूइंग एनी अदर कोर्सेज तो मेरे को उसके पढ़ाई भी करनी है, उसके जब एग्जाम आएंगे तो मेरे को उसका एग्जाम भी देना होगा. तो आपको सब चीज को दिमाग में रख के एक डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज आई वुड से अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ. ठीक है, हमको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसलिए हम बहुत बार ये गलत डिसीजन ले लेते हैं. तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस आर्टिकलशिप इंडक्शन प्रोग्राम. वी ऑल वॉन्ट टू गिव यू अ गाइडेंस कि आपको किस रास्ते पे जाना चाहिए, रादर रास्ता कैसे चूज करना चाहिए. रास्ता तो हम नहीं दिखाएंगे, हम बस गाइड कर सकते हैं आपको. नेक्स्ट इज सिस्टम डिजाइनर. कोई बताएगा इसका मतलब? कुछ समझ में आ रहा है पॉइंट से सिस्टम डिजाइनर का मतलब? तो अगेन आई वुड नरेट अ स्टोरी, समझ लो, एक्सपीरियंस ही बोलो इसको. मेरे ऑफिस में एक कलीग थे. ठीक है, वो भी भैया एकदम प्रोडिजी, जिसको बोलते हैं ना बचपन से रैंक होल्डर एकदम रहे हैं, फाउंडेशन रैंक, आईपीसीसी रैंक, सीए फाइनल में भी रैंक. तो और आए किस में? मिड साइज फॉर्म. आई हैव डन माय आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मिड साइज फॉर्म. तो मैंने एक दिन पूछा कि भैया आपका रैंक आया फाउंडेशन में, आईपीसीसी में, तो आप उस टाइम तक तो सीए फाइनल का नहीं पता था तो नहीं बोल पा रहा था. मन तो था बोलने का कि बोल दे कि आपको तो आएगा ही भैया, देख के ही लगता है आपको. पर ठीक है भैया, फाउंडेशन में भी आपका रैंक आया, आईपीसीसी में भी आपका रैंक आया, तो फिर आप मिड साइज फॉर्म में क्यों आए? आपका तो हो जाता आराम से बिग फोर में, आप क्यों नहीं गए? तो ये पॉइंट एक्चुअली मैंने वहां से उठाया है. ही टोल्ड मी दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सी, व्हेन यू ज्वाइन अ वेरी बिग फर्म, तो वहां क्या होता है, वहां पे स्टैंडर्ड सेट होते हैं, प्रोटोकॉल सेट होते हैं. ठीक है, ये रूल्स है जो आपको फॉलो करना है, ये चेकलिस्ट है. तो इफ यू आर डूइंग दिस एक्स वर्क, इसकी ये चेकलिस्ट है, आप ये चेक करो, आपका काम खत्म. तो वहां क्या होता है, आपका माइंड क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है. आप अपना दिमाग लगाते हो? नहीं. वहां पे ये सब सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि वहां डेडलाइंस बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब डेडलाइन वहां पे फॉलो करना जरूरी होता है. क्लाइंट्स इतने बड़े होते हैं, वर्क जो होता है वो उसका वर्क इतना ज्यादा होता है कि उसको डेडलाइन के अंदर खत्म करना होता है. तो वहां अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, तो काम खत्म होगा? नहीं. क्लाइंट तो बोलेगा दो दो दो, हम लोग बोले हाँ हाँ दे रहे. तो एक स्टैंडर्ड इसलिए वो लोग सेट करके रखते हैं. बट अगेन मिड साइज फॉर्म में क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल सेट होता है, बहुत जगहों पर होता है, बट देयर इज अ स्कोप दैट यू अप्लाई योर ओन ब्रेन. वहां पे आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटी होती है वो एनहांस होती है, आपका दिमाग थोड़ा काम करता है. ठीक है, तो भैया मेरे को बोले कि यार मेरे को ऐसा नहीं चाहिए था कि हम एक ऐसा फॉर्म ज्वाइन करें जहां पे स्टैंडर्ड रूल सब सेट है, ऐसे ऐसे कर जाना है, करना है, आ जाना है. मेरे को अपना दिमाग लगाना था काम में, मेरे को अपना क्रिएटिव एबिलिटी जो था
उसको बढ़ाना था. आई वॉन्टेड टू बी अ सिस्टम डिजाइनर, नॉट अ सिस्टम फॉलोअर. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग जो आपको कंसिडर करना चाहिए कि आप, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि यार मेरे को बता दो क्या करना है, हम कर लेगा. हमको नहीं इतना दिमाग लगाना है यार, क्या जाके देखे फिर करे फिर दिमाग और लगाए, तो बता दो क्या करना है हम जाके कर लेगा. और वैसे ही वो भैया जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं, हमको दिमाग लगाना है अपना, बताओ बता दो काम क्या करना है, हम दिमाग लगा के करेगा. तो आप कहां फॉल करते हो उसके हिसाब से आप, अगेन दिस इज अ पैरामीटर जिससे आप डिसाइड करोगे. नेक्स्ट, एक फैमिली ओरिएंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपका फैमिली ओरिएंटेशन कैसा है, क्या आपका, इफ यू आर अ सिंगल चाइल्ड अपने पेरेंट्स के, तो आपके लिए नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप कहीं बाहर रह के काम करो. ठीक है, कुछ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा होती है फैमिली से कि वो नहीं रह सकते फैमिली से दूर. तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसिडर. अगेन जॉब प्रैक्टिस बिजनेस, इसके बारे में हम लास्ट स्लाइड में बात किए थे कि आपको फ्यूचर, अल्टीमेट आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आपको अभी डिसीजन लेनी है. आप कुछ अदर कोर्सेस कर रहे हो तो उसको भी दिमाग में रखना है. बिकॉज सी, मैं हमेशा ये मानती हूं कि अगर मैं दो कोर्स कर रही हूं तो मैं इस कोर्स को इनजस्टिस नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द अदर कोर्स. मेरी आर्टिकलशिप चल रही है, इसके वजह से इफ आई एम ऑल्सो डूइंग सीएफए, आई कैन नॉट डू इनजस्टिस कि नहीं यार मेरे को सीएफए का प्रेपरेशन टाइम नहीं मिला, अब नेक्स्ट बार देगा. आई कैन नॉट डू इनजस्टिस टू वन कोर्स बिकॉज ऑफ आई एम परस्यूइंग अनदर कोर्स. अगर आपने ऑप्ट किया तो आपने तो कुछ सोच समझ के ऑप्ट किया है ना, कि हाँ मेरे अंदर वो है एबिलिटी कि मैं दोनों एक साथ कर सकती हूँ. अदरवाइज आप एक कंप्लीट करके भी आप दूसरा कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू. अगर आप दो कोर्सेज एक साथ कर रहे हो, यू शुड डू कंप्लीट जस्टिस टू ऑल द कोर्सेज दैट यू आर परस्यूइंग. नेक्स्ट, डू यू रियली हैव अ चॉइस. ये भी एक फैक्टर होता है कि क्या आपके पास चॉइस है. एक ही ग्रुप क्लियर हुआ है, बिग फोर लेगा क्या, लेगा नहीं लेगा. उन लोग का क्राइटेरिया होता है कि आपके अगर दोनों ग्रुप्स क्लियर हुए तभी वो आपको लेते हैं. ठीक है, मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया होता है, सिर्फ क्लियर होने से नहीं होता, मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया होता है. फिर कुछ लोग हमारे जैसे होते हैं, सेंट जेवियर्स इवनिंग कॉलेज वाले, जिनको बिग फोर लेता ही नहीं है, तो हमारे पास चॉइस ही नहीं होती है. हमें मिड साइज में ही जाना पड़ता है. बिग फोर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव रेगुलर कॉलेज. ठीक है, मॉर्निंग वालों के लिए हो जाता है क्योंकि उनकी कॉलेज 10-10:30 तक ओवर हो जाती है तो जा सकते हैं वो, बट इवनिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है बॉस. कितना भी अच्छा मार्क्स आपका आ जाए, यू डोंट हैव एन ऑप्शन, आपको जाना होगा मिड साइज फॉर्म में. तो ये भी चीज है, इतना माथा लगाना ही क्यों है, हमारा तो लाइफ एकदम सिंपल है, कोई चॉइस ही नहीं है मेरे पास, जाना है मिड साइज फॉर्म में, ठीक है देख लेंगे किसमें जाना है. नेक्स्ट, रेफरेंस. अगर आपके पास रेफरेंस है बिग फोर में, अगर आपको चाहिए तो एक रेफरेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. रेफरेंस के बिना भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है. आप उनके साइट्स में अप्लाई करो, आप जाके अपनी सीवीज ड्रॉप करो, तो उससे भी होता है, बट रेफरेंस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बोरिंग लग रहा है क्या सबको? चेहरा देख के लग रहा है किसी किसी का. ठीक है, अब लग भी रहे तो कोई उपाय नहीं, आ तो गए तो अटेंड तो करना ही है. फिर अब हम बात करेंगे वर्क प्रोफाइल्स के बारे में. एज एन आर्टिकल आपसे क्या क्या काम करवाया जा सकता है, व्हाट आर द वर्क एरियाज दैट यू विल एक्सप्लोर ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप. तो ब्रॉडली ये कैटेगरीज हैं: फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस, लीगल ड्राफ्टिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और अदर मैनेजमेंट सर्विसेज. दीज आर द वाइड ब्रॉड एरियाज विच यू विल कम अक्रॉस. बस थोड़ा ही टाइम है, देखोगे ये सब प्रैक्टिकली. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में आपसे अकाउंट्स कर बनवाया जाएगा, टैली में एंट्री होगा, फिर अगर ईआरपी यूज हो रहा है तो एसएपी, ठीक है, सब अकाउंटिंग होगा. मैनुअल या मैनुअल भी होता है बहुत, अगर बहुत स्मॉल क्लाइंट्स होते हैं तो मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. ड्राफ्टिंग एंड फाइनलाइजेशन, अकाउंट फाइनलाइजेशन होता है, ड्राफ्टिंग होता है NDAs के हिसाब से ड्राफ्ट करना बैलेंस शीट को, तो वो सब करवाया जाएगा. एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या NDAs. एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट बोल देता है कि हम मेरे को बैंक से लोन चाहिए तो मेरा एक नेटवर्थ एनालिसिस करके दो, तो वो आपको रेशियो एनालिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस भी आपको करने बोलेगा. तो दैट इज बेसिकली एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कंपनीज की भी, बैंक्स की, टैक्स ऑडिट एज पर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. फिर ईडीपी ऑडिट. ईडीपी ऑडिट किसी को पता है क्या होता है? ईडीपी ऑडिट एनीवन? नहीं. ईडीपी ऑडिट बेसिकली सिस्टम्स ऑडिट होते हैं,
ठीक है, मतलब जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, सपोज एसएपी में काम हो रहे हैं, तो एसएपी का जो बैकएंड है उसमें कॉन्फ़िगरेशन ठीक है या नहीं है, वो होता है ईडीपी ऑडिट, सिस्टम ऑडिट। सपोज मेरे मेरे सिस्टम में सस्पेंस अकाउंट को ब्लॉक किया हुआ है, जो आप क्लाइंट पे जिसके ऑडिट प्लेस पे जा रहे हो आप, उसके सस्पेंस अकाउंट ब्लॉक किया हुआ है, वो खोल ही नहीं सकते सस्पेंस अकाउंट, तो ये एक चेक होता है सिस्टम्स ऑडिट का, ठीक है, इसको हम लोग ईडीपी ऑडिट बोलते हैं। फिर इंटरनल ऑपरेशनल और मैनेजमेंट ऑडिट सब पढ़ पढ़ के आए हैं ना आईपीसीसी से, वही सब छापा है यहाँ पे हम। स्टॉक ऑडिट, सर्टिफिकेशन वर्क, कुछ एग्जाम्पल सर्टिफिकेशन वर्क का, दोज आर ऑलरेडी इन देयर आर्टिकलशिप, कुछ हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सर्टिफाई करते हैं हम लोग स्टेज ऑफ कंप्लीशन। और अगर हम लोग फॉरेन कुछ रेमिटेंस करते हैं कोई नॉन रेसिडेंट को, तो फेमा एक्ट सुने, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट के हिसाब से यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, आपको वो सर्टिफाई कराना पड़ता है। इनकम टैक्स में भी होता है फॉर्म 15 CA CB, जो CS सर्टिफाई करते हैं, तो वो सब सर्टिफिकेशन वर्क के अंडर आते हैं। तो आपको आर्टिकलशिप में मैं वो सब बता रही हूँ जो आप देखने वाले हो कुछ कुछ दिनों में, ठीक है, यू शुड बी अवेयर कि हाँ क्या क्या काम हो सकता है। अगर आपको ये एरियाज नहीं भी एक्सप्लोर करने मिले तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ आर्टिकलशिप में कुछ ऐसा भी काम होता है, तो एटलीस्ट आपके पास जब आप जॉब करने जाओगे तो आप एक रिसर्च करके जा सकते हो। आपने नहीं भी अगर काम किया है, कल को आपको पूछ ले फॉर्म 15 CA CB बताओ क्या होता है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। तो ये सब सर्टिफिकेशन वर्क होता है। फिर ड्यू डिलीजेंस रिपोर्टिंग, जब मर्जर्स होती है तो एक ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट देनी पड़ती है कि जो कंपनी को अक्वायर किया जा रहा है, जो मर्ज हो रही है, उसका कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, क्या उसको अक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब ड्यू डिलीजेंस रिपोर्टिंग में आता है। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते हैं SAS, उसका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ड्राफ्टिंग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग, जो हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट में भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आपको डेट हमेशा देखनी चाहिए, ठीक है। फिर हाँ कंपनी का नाम, हाँ गलती की है क्या, तब भी हंस रहे हो। तो कंपनी का नाम, डेट, ये सब चीज हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो। फिर डायरेक्ट टैक्स लॉज में आप क्या क्या देखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ डिफरेंट पर्संस, ठीक है, आईटी फॉर्म्स, रिटर्न्स कैसे फिल करते हैं, एडवांस टैक्स की कंप्यूटेशन, जो जो चीज अभी तक आप थोड़ा बहुत पढ़े हो इंटर में, अब यहाँ पे कुछ हाईफाई नाम आएंगे, ठीक है, उसको देख के डर मत जाना, ठीक है, आपके सीए फाइनल डीटी पेपर का पार्ट है वो, डायरेक्ट टैक्स पेपर का पार्ट है वो। बट मैं इसलिए ये चीज यहाँ पे आपको बता रही हूँ क्योंकि आप डीटी की ट्यूशन तो शायद लोगे आपके एग्जाम्स के 6 मंथ्स पहले या मे बी ईयर पहले, बट आप जब आर्टिकलशिप करोगे तो उस टाइम पे आपको ये सब टर्म्स से अक्वेंटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फाइनेंशियल्स देखोगे कोई कंपनी के तो ये सब चीजें वहां रहेगी, तो पता तो होना चाहिए ना कि क्या होता है, तब तो जाके किसी को पूछने लायक भी रहते हैं कि ये क्या होता है, पता ही नहीं है क्या होता है, एकदम नया कुछ आ गया अजीब सा। तो इसलिए मैं कुछ बता रही हूँ आपको, जैसे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है, ठीक है, मैट इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट्स पे कंप्यूटेशन होती है कंपनीज की इनकम टैक्स की। अगर आपका नॉर्मल जो इनकम टैक्स है, ठीक है, वो आ रहा है कुछ 5 लाख समझ लो, और मैट का जो कंप्यूटेशन है 18.5% प्लस सरचार्ज एंड सेस होता है उसमें, तो उसके हिसाब से वो हम लोग बुक प्रॉफिट पे अप्लाई करते हैं। बुक प्रॉफिट की भी एक कंप्यूटेशन होती है, ठीक है, वो आप जब करोगे ऑफिस में तो आप देख सकते हो या फिर गूगल भी आप कर सकते हो। तो उस पे हम लगाते हैं जो भी हायर आता है, सपोज मेरा मैट के हिसाब से टैक्स 6 लाख आ रहा है तो आई विल हैव टू पे 6 लाख, ठीक है, तो ये मैट होता है। तो ये आपको हर कंपनी की, अगर आप कभी भी इनकम टैक्स कंप्यूटेशन करोगे अपने आर्टिकलशिप में, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द मैट प्रोविजंस। प्लीज आप एक बार, जिनको नहीं पता है, आप एक बार घर जाके गूगल करके या फिर इनकम टैक्स साइट पे आप चेक करना मैट क्या होता है। फिर डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, पता है ये क्लास 12 में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, मतलब नाम तो सुनते हैं एटलीस्ट, एनीवन डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी, जैसे कि, ठीक है, सब कोई सुनो, हाँ उसको, हाँ ठीक है, ओके, okay.
एसेट में आ जाते हैं. वेरी गुड. क्योंकि हमको इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स ठीक है वेरी गुड. हाँ इनकम टैक्स तो वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट. बट कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकम टैक्स में डिसअलाउड होते हैं. बट आपके पीएल में तो वो एक्सपेंस आ रहा है ना, तो वो वहां पे अलाउ आपने किया है, तो उसके वजह से एक टाइमिंग डिफरेंस बोलते हैं इसको. ठीक है, द टेक्निकल टर्म इज टाइमिंग डिफरेंस. देयर इज अ टाइमिंग डिफरेंस. क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट 5 लाख का है तो वो डेप्रिशिएट होके एक दिन सैलवेज पे तो आएगा ही, पर इनकम टैक्स में उसका डेप्रिसिएशन हमको पहले मिल जाता है या सपोज बाद में मिल रहा है रेट के हिसाब से, और कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन कुछ और आ रहा है. तो डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है, बट दोनों एक्ट के हिसाब से वो फिक्स्ड एसेट सैलवेज पे तो आएगा ही. सो देयर इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग डिफरेंस. उस टाइमिंग डिफरेंस के वजह से हम डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग. जब आप फाइनेंशियल्स करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार अब लायबिलिटी करना है या एसेट होगा, तो इसका एकदम क्लियर कट आइडिया आपको होना चाहिए. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट और फी पेबल अंडर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ. फॉर्म 3CD, 3CA, 3CB, इसमें क्या होता है, फॉर्म्स कई बार चेंज होते रहते हैं, मतलब एवरी ईयर ही चेंज होता है, कुछ ना कुछ नया क्लॉज डाल देता है. ठीक है मिनिस्ट्री, तो आपको हमेशा लेटेस्ट फॉर्म को रेफर करना चाहिए. आपको लेटेस्ट फॉर्म्स इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करना चाहिए, जो हम लोग आपको कल बताएंगे गवर्नमेंट पोर्टल्स वाले सेशन में. आपको कल बताया जाएगा कैसे आप इनकम टैक्स साइट के एक्सप्लोर कर सकते हो. तो फॉर्म 3CD, 3CA ये सब टैक्स ऑडिट के फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के नंबर्स हैं. फिर ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, सबको ही पता है ITR आपसे फाइल करवाया जाएगा, आप सीखोगे कैसे फाइल करते हैं. टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, ये तो हो सकता है आर्टिकल लेवल पे आप नहीं सीख पाओ, पर थोड़ा बहुत अगर प्रिंसिपल जब क्लाइंट से बात करते थोड़ा बहुत कान लगा लो सुन लो, तो आपको भी क्या नॉलेज आ जाएगी टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, क्योंकि आर्टिकल लेवल पे ऑब्वियसली ये सब आपसे नहीं करवाया जाएगा. फिर असेसमेंट ऑर्डर्स आप देखोगे कि कैसे होते हैं, ये सब भी आपका CA फाइनल डायरेक्ट टैक्स पेपर का पार्ट है सब कुछ. ठीक है, अपील आपसे ड्राफ्ट करवाई जाएगी. कोई क्लाइंट है जिसका इनकम टैक्स में अपील करना है, अपील फाइल करना है, तो उसकी ड्राफ्टिंग बोलेगा प्रिंसिपल, चलो इसका ड्राफ्ट करो अपील, तो ये सब भी होगा. TDS, TCS ये सब देखोगे आप. TDS का रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ट्रेसेस से 26AS बोल के एक फॉर्म होता है वो कैसे डाउनलोड करते हैं, तो ये भी हम आपको सब कल के सेशन में गवर्नमेंट पोर्टल्स में बताने वाले हैं. ट्रांसफर प्राइसिंग अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ योर DT पेपर, और फिर आपके इलेक्टिव का भी पार्ट है. इलेक्टिव में अगर आपको पता है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन बोल के एक पेपर है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, की जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है वो एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए. ठीक है, आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स, मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया आपको बता रही हूँ. वो सारी ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे होने चाहिए. इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेशन है DT पेपर में. तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी कई फॉर्म्स में होता है. ठीक है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करते हैं वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग का बहुत अच्छा काम होता है. इनफैक्ट कई फॉर्म्स में, बड़ी फॉर्म्स जो होती है उनमें डिपार्टमेंट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का. ठीक है, जैसे DB देसाई, वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग का एक डिपार्टमेंट है. वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग देयर ट्रांसफर प्राइसिंग में. तो वो लोग का काम ही सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग देखना होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है. फिर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज, यहाँ पे आप देखोगे क्लाइंट्स के GST रजिस्ट्रेशन आपको अगर नए करवाने हैं, कोई नया क्लाइंट अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसका GST रजिस्ट्रेशन करवाना. किसी ने करवाया है GST रजिस्ट्रेशन, देखा है नहीं, तो आप GST.gov.in पे जाके GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. कल निकुंज सर इसके बारे में भी आपको बताएंगे. फिर SAC एंड HSN, ये एक सर्विस अकाउंटिंग कोड और HSN होता है गुड्स के लिए. ये एक कोड होता है हर इंडस्ट्री का, हर टाइप ऑफ गुड्स का. ठीक है, तो इसके लिए मैं सबको रेकमेंड करूंगी. आप स्मार्टफोन सबको यूज करते हैं ना यहाँ पे, एनीवन नॉट यूजिंग अ स्मार्टफोन, कोई हिचकिचाहट का बात नहीं है, अगर नहीं है तो बोल सकते हो. ठीक है, तो एवरीवन इज यूजिंग स्मार्टफोन्स, थोड़ा सा सही इस्तेमाल करते हैं स्मार्टफोन का. एवरीवन शुड हैव एन ऐप इन देयर फोन कॉल्ड GST रेट्स एंड HSN कोड. ठीक है, GST सिंस अभी नया है ना, तो आपको सब पता है, जरूरी है क्या पता होगा सारा HSN कोड या सारा GST, हर इस प्रोडक्ट का ये रेट होता है. तो इससे क्या होता है, अगर कल को आपको बोल दिया चलो XYZ क्लाइंट के ऑडिट पे जाओ, तो क्या होगा अगर GST वहां पे जो प्रोडक्ट है ए है सपोज प्रोडक्ट का नाम, तो उस ए का रेट उन्होंने सही लगाया या नहीं लगाया, आप कितनी बार जाके गूगल में देखोगे. इससे बेटर है एक ऐप डाउनलोड कर लो फोन में, बहुत ही छोटा सा ऐप है, एकदम आपका डेटा साइज भी कम ही लेगा, फोन का ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, तो आप ये डाउनलोड करके रख सकते हो. इट्स वेरी यूजफुल. मैंने तो जब GST आया था तभी डाउनलोड कर लिया था, ये बहुत काम आया था आर्टिकलशिप में. फिर पेमेंट ऑफ GST जनरेटिंग चलान ऑफसेट एंड पेमेंट, चलान कैसे जनरेट करते हैं GST के, वो सब GST का रिटर्न कैसे फाइल होता है, वर्किंग्स क्या होती है उसकी, ये सब आप सीखोगे.
इंटरेस्ट फी पेबल लेट पेमेंट अगर करते हैं तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है. एडवाइजिंग क्लाइंट्स इन रीस्ट्रक्चरिंग रीडिजाइनिंग बिजनेसेस टू बी इन सिंक विद जीएसटी लॉज. कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके पहले सपोज वैट एप्लीकेबल नहीं था. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसमें पहले वैट नहीं था, अभी जीएसटी आने के बाद 5% जीएसटी आ गया. तो उन क्लाइंट्स को अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, क्योंकि दे आर नॉट अक्वेंटेड कि क्या होता है भाई वैट, अचानक से जीएसटी बोल के एक नया लॉ आ गया, कैसे क्या कंप्लायंस करना है. तो क्लाइंट्स को एडवाइस करना कि आप ऐसे करके अपना बुक्स मेंटेन करो, ठीक है, ऐसे ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने हैं जीएसटी, ताकि आपका फाइलिंग वगैरह इजिली हो सके. तो हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं इन रीस्ट्रक्चरिंग रीडिजाइनिंग बिजनेसेस. प्रिपेयरिंग केस फॉर ओपिनियंस, ड्राफ्टिंग ऑफ अपील्स, ये भी बहुत सारी ऑफिसेज में होते हैं. ठीक है, क्लाइंट का कुछ जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा उसी पे कंफ्यूजन है, तो उस पर आपको पूरा स्टडी करके एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, पूरा लॉ को, जीएसटी लॉ को स्टडी करके क्या वो सप्लाई के अंदर फॉल करता है या नहीं करता है, गुड्स कैटेगरी में या सर्विस कैटेगरी में. कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस में ये सब बहुत कंफ्यूजन होता है, गुड्स में आ जाएगा या सर्विस में आएगा. तो वो सब के लिए ओपिनियन देना क्लाइंट को, उसके लिए रिपोर्ट्स बनती है, ठीक है, बहुत अच्छी खासी, तो वो सब भी आपसे करवाया जाएगा. टैक्स प्लानिंग ऑप्टिमाइजेशन, अगेन जीएसटी की टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है. फिर कॉर्पोरेट लॉ प्रैक्टिस में यू विल सी फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट्स, एओसी 4 हमें आरओसी के साथ फाइल करना होता है कंपनी का एनुअल अकाउंट्स, तो वो सब आप करोगे. एनुअल रिटर्न एमजीटी 7, कुछ कुछ बीते जमाने की यादें लॉ की, ये सब फॉर्म्स तो पढ़े थे ना, एमजीटी 7 एनुअल रिटर्न. फिर एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन ऑफ डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर कंपनी में कोई नया डायरेक्टर ऐड हुआ है तो उसका डिन के लिए कैसे अप्लाई करना है, अगर कुछ मिस्टेक हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है तो उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करना है. तो ये सब भी अगर आपके ऑफिस में कॉर्पोरेट लॉ में भी प्रैक्टिस होती है तो आपको ये सब भी देखने मिलेगा. और अदरवाइज भी हम कल के सेशन में आपको आरओसी का भी कुछ कुछ चीज दिखाएंगे, डिन वगैरह कैसे करते हैं. डीएससी रिलेटेड सर्विसेज, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमें अनेक्स करना होता है विद इनकम टैक्स रिटर्न्स या आरओसी में जब फाइलिंग होती है, तो डीएससी रिलेटेड सर्विसेज भी आप देखोगे अपने ऑफिस में. लीगल ड्राफ्टिंग, पसंद था किसी को लॉ में तो था ना, ये आईपीसीसी के लॉ में ड्राफ्टिंग, पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करो, मिनट्स बुक, मिनट्स ड्राफ्ट करो, मेरे को तो एकदम नहीं अच्छा लगता था. तो ये सब भी ऑफिस में लेकिन करवाया जाएगा, ठीक है. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ड्राफ्ट करने को बोलते, अब अच्छा लगे या नहीं लगे, ऑफिस जा रहे हो ना, काम तो करना ही पड़ेगा. पार्टनरशिप डीड, फिर रेंट अग्रीमेंट बनाना, अपील्स ड्राफ्ट करना, जैसे मैंने पहले बताया था जीएसटी की अपील हो सकती है, इनकम टैक्स की हो सकती है, पावर ऑफ अटॉर्नी ड्राफ्ट करना, ये सब ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग भी आपको आनी चाहिए. इसकी एक लैंग्वेज होती है जो आपको देखनी पड़ेगी, आप प्रीवियस अगर कुछ ड्राफ्ट हुआ है तो आप उसको पढ़ के भी ड्राफ्टिंग कर सकते हो. कई फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी होती है. ये क्या होता है, जैसे मेरा एक क्लाइंट है सपोज, वो मेरे को आके बोला कि मैम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा कंपनी का शेयर्स लेना चाहिए, कैसे मेरे को अपना पैसा, बहुत पैसा है 1 करोड़ रुपया, कहाँ लगाए पता नहीं, समझ में नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर क्या होता है पता नहीं. मार्केट में तो बहुत सुन रहे हैं कि करना चाहिए, हम तो सोचते हैं फिक्स डिपॉजिट कर देना चाहिए. तो हम सीएस जो क्या होते हैं वो उनको, क्योंकि हम एसएफएम भी पढ़ते हैं, हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो हम इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस भी देते हैं क्लाइंट को. तो कई फॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, इंश्योरेंस प्लान्स आपको लेने चाहिए, मैनेजिंग एंड अपडेटिंग पोर्टफोलियोज ऑफ क्लाइंट्स, मतलब मेरे थ्रू ही कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे. मर्जर्स एंड एक्विजिशन, इसमें हम अगेन देखते हैं प्रपोजल को इवैल्यूएट करते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में मैं बता रही थी कि कंपनी को अक्वायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे पहला डिसीजन वो होता है यहाँ पे. वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिस कंपनी को मैं अक्वायर कर रही हूँ वो बोल रहे हैं मेरा शेयर का वैल्यू 25 रुपीज है, आप ब्लाइंडली बिलीव कर लोगे कि शेयर का वैल्यू 25 है, खरीदना किसको है, मेरे को, डिसाइड कौन करेगा प्राइस, हम एटलीस्ट वैल्यूएशन तो करेंगे ना कि कितना होना चाहिए प्राइस. तो वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी होता है मर्जर्स में. लीगल कंप्लायंसेस होते हैं बहुत, जब मर्जर्स होती है तो उसकी बहुत सारी लीगल कंप्लायंसेस होती है, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस, इनकम टैक्स की कंप्लायंस, तो वो सब भी अगर आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में काम करते हो तो आप वो भी देखोगे, ठीक है. तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, बहुत ही एक डिपार्टमेंट आप समझ सकते हो, बहुत सारी फॉर्म्स में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक डिपार्टमेंट होता है. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में आपका आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स. किसी ने बनाया प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यहाँ पे?
प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाया, तो ये भी मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट पे आपको रिपोर्टिंग करने बोल दिया, एक प्रोजेक्ट अंडरटेक होने वाला है उसका फोरकास्ट आप कर रहे हो कि क्या प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, उसका पूरा एक डिटेल में 10-15 पेज का, 20 पेज का, 50-100 पेज का रिपोर्ट जाता है, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी ड्राफ्ट करते हैं. नेक्स्ट लोन सिंडिकेशन. लोन सिंडिकेशन हो गया, सिंडिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि एक लेंडर नहीं होके दो तीन बैंक मिलके एक कंपनी को लोन देता है. सपोज मेरे को चाहिए 100 करोड़ का लोन, एक बैंक दे देगा क्या 100 करोड़ का लोन? जनरली नहीं देगा. तो क्या होता है उस केस में, दो तीन बैंक का एक कंसोर्शियम बनता है, कंसोर्शियम बना के वो लोग लोन सिंडिकेट करते हैं. तो ये भी काम हम एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट के लिए करते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग. कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट कितना लेना चाहिए, लोन लेना चाहिए, डिबेंचर इश्यू करना चाहिए, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर की प्लानिंग में हम हेल्प करते हैं क्लाइंट्स को. तो ये आप देख रहे हो मैनेजमेंट रिलेटेड, मैनेजमेंट टाइप सर्विसेज है सारा. सीए के काम से थोड़ा सा हट के मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हैं हम लोग. फिर ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस. अगर कोई कंपनी आईपीओ लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रोस्पेक्टस बनाना वो सीए से, या तो सीए बनाता है या फिर आप हेल्प करते हो अपने क्लाइंट को बनाने में, या आप उसकी प्रूफिंग करते हो कि सब कुछ सही है या नहीं. प्रूफिंग पता है प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे न्यूज़पेपर्स होता है ना, तो उसका प्रूफ रीडिंग होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या नहीं है, सारा फिगर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, इन्फॉर्मेशन है जो, वो करेक्ट है या नहीं है. तो उसका प्रूफिंग भी बहुत बार हम लोग से करवाया जाता है, क्योंकि हम लोग से ज्यादा जानते हैं क्या कोई? हाँ, हम लोग तो ये मानते ना, हम लोग सब कुछ जानते हैं. तो फिर ये सब भी करते हैं. फिर रेजिंग ऑफ कैपिटल, न्यू इश्यूज एंड मैटर्स, फिर सेबी का गाइडलाइंस कुछ, उससे कंप्लायंस सीएस एडवाइस करते हैं. मिनट्स ड्राफ्टिंग, अगेन अ वेरी हॉट टॉपिक, इनसॉल्वेंसी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग. सुना है नाम मार्केट में? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा तो बोलो. इनसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में अगर आपका फर्म इसमें स्पेशलाइज करता है, सपोज आप जिस फर्म में जाते हो वहां इनसॉल्वेंसी का बहुत काम है, लॉ कॉर्पोरेट लॉ का ही मेनली काम है, तो वहां पे आपको जरूर ये भरपूर मात्रा में देखने मिलेगा, ठीक है, इनसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स. आपके सीए फाइनल कॉर्पोरेट लॉ पेपर का भी पार्ट है ये. फिर प्रिपेयरिंग एंड रिव्यूइंग बजट्स, बजट्स बनाना, उसको रिव्यू करना, वेरियंस एनालिसिस करना, ये सब भी हम लोग करते हैं. 3 years of training, ठीक है. ये स्लाइड का बेसिकली मैं इंपॉर्टेंस बता रही हूँ क्या है, कि बहुत बार हम लोग क्या सोचते हैं, एक साल कर लेते हैं आर्टिकलशिप, अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, क्या करा रहे हैं, आधा टाइम तो ऐसे ही बैठ रहे थे, कुछ काम ही नहीं देते हैं, बोलते बैठो बैठो बैठो, देंगे देंगे, आता नहीं है कुछ काम. फिर सोचते एक साल कर लिए, अब चलो चलते हैं कहीं डमी ले लेते हैं, या फिर डमी लेके कहीं पे पेड अप में ज्वाइन कर लेते हैं. तो मैंने ये स्लाइड इसलिए बनाई क्योंकि मैंने अपनी पूरी 3 साल की आर्टिकलशिप किया, ठीक है, गॉड प्रॉमिस पूरा किया है 3 साल का. तो आर्टिकलशिप का हर ईयर का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, जो हम लोग को अगर नहीं बताया जाए तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे. मेरे को भी एक इसने बताया था, ठीक है, इसलिए मेरे को समझ में आया कि हाँ इंपॉर्टेंट है, मेरे को 3 साल करना चाहिए. तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जो लोग नया ज्वाइन करेंगे, अभी जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा शायद, आप ऑफिस सपोर्ट सिस्टम का एक पार्ट बनते हो, ठीक है, आप सपोर्ट करते हो वर्क को, ठीक है, यू आर अ सबऑर्डिनेट देयर. आपको आपका अगर सीनियर बोलेगा बाबू जाके पेपर जेरोक्स करके लाओ, तो ना नहीं बोल सकते हो, करना पड़ेगा. प्रिंट करो, करना पड़ेगा. बोलेगा स्कैन करो, करना पड़ेगा. तो आप एक ऑफिस सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनते हो यहाँ पे, ठीक है. बेसिक वर्क आपको जरूर सिखाया जाएगा, पर हो सकता है कि आप 1 साल तक कैश वाउचिंग और बैंक वाउचिंग ही करते रहोगे. अगर आपकी ऑडिट फर्म है तो हो सकता है आपको 1 साल तक तो इसी में रखा जाएगा कि पहले इसमें मास्टरी करो, फिर आगे और सिखाएंगे, ठीक है. क्योंकि ये क्यों होता है मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि प्रिंसिपल को तो तुम्हारा एक पोटेंशियल कैपेबिलिटी तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो भेज देगा तुमको, जाओ एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करके जाओ, कर पाओगे क्या? नहीं ना. तो पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है. बेसिक में अगर आप स्ट्रांग हो गए, अगर उनको लगा कि हाँ बंदे में काबिल है, बंदा काबिलियत है, इसमें जाके कर सकता है, तो फिर आपको भेजेगा नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जब आप सीनियर बन जाओगे. पर तब तक तो आप लोग छोड़ देते हो, तो छोड़ना नहीं है. हर ईयर का एक अलग इंपॉर्टेंस है. फिर आप वर्क कल्चर सीखते हो, ऑफिस में कैसे जाना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है. इस पॉइंट में मैं ये भी बताऊंगी कि ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं बहुत बार, सोचते हैं ठीक है ना यार, सभी तो कैजुअल्स में आ रहे हैं, सब तो टी शर्ट में आ रहा हूँ, चलो ना क्या फर्क पड़ता है, कंफर्टेबल तो रहेगा. बट मानो यार गाइस, ऑफिस का एक कल्चर तो होता है ना, आपको सीरियसनेस ही नहीं आएगी अगर जब तक आप कैजुअल्स में जाओगे एकदम लोफर्स वोफर्स पहन के गए, मस्त स्पोर्ट्स शूज पहन के गए. नहीं,
ऑफिस का एक कल्चर होना चाहिए. आप फॉर्मल्स में जाओ, आपके शूज वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, हेयर स्टाइल अगेन स्पाइक वाइक ज्यादा नहीं, गर्ल्स के लिए थोड़ा हेयर अच्छे से टाइट होना चाहिए, टाइट नहीं भी हो तो आपके फेस पे हेयर नहीं आना चाहिए, ठीक है. ये सब बेसिक कुछ ऑफिस एटिकेट्स होती है जो आप फर्स्ट ईयर में सीखते हो. तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कल के सेशन में जब आप आओगे ना, तो आपको ऐसे आना है कि आप ऑफिस जा रहे हो. यस, हाँ ठीक है, संडे है, पर एक बार मान लो ना यार, 3 घंटा के लिए तो आना है. एक बार मैं देखना चाहती हूँ कि आप फॉर्मल्स में आप ऑफिस कैसे जाते हो, आप जब जाओगे ऑफिस में तो आप कैसे जाओगे, ताकि क्या होगा, मैं अभी आपको रेक्टिफाई कर दूंगी कि नहीं, आप में ये मिस्टेक है, आपको इस पे इम्प्रोवाइज करना है, आपने ये चीज गलत की है. सपोज अब मेरे टैटू है यहाँ पे बहुत बड़ा सा, तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो मेरे टैटू को कवर कर दे. ऑफिस में क्या होता है फिर, नहीं तो लोगों का ध्यान इधर उधर भटकेगा. क्या मतलब है, ऑफिस में काम करने जाते हैं तो काम करना है. आपको शौक है, शौक बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, मैं ये मानती हूँ. आपके जितने शौक है आप सब पूरे करो, ऑफिस में ऑफिस की तरह जाओ, शौक बाहर पूरे करो आप. फिर सेकेंड ईयर की जो इम्पोर्टेंस है वो है आपको हायर लेवल ऑफ वर्क मिलता है, ठीक है. जैसे अगर आप वाउचिंग ही कर रहे थे सिर्फ फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे आपको ऑडिट का और एरियाज एक्सप्लोर करने दिया जाएगा, आपको बैलेंस शीट ड्राफ्ट कराई जाएगी, फाइनलाइजेशन आप करोगे खुद. जो पहले फर्स्ट ईयर में आप देखते थे हाँ भैया कुछ कर रहे हैं, दीदी कुछ कर रही है, वो फिर आप भैया और दीदी बन जाते हो सेकंड ईयर में. आपके आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो, इतना पोजीशन में आप, इस पोजीशन में आप रहते हो कि हम इंडिपेंडेंटली काम कर सके, हमको हर चीज किसी से पूछ के नहीं करना पड़ेगा सेकंड ईयर में. थर्ड ईयर में आप बन जाते हो सीनियर, आओ अब आओ जूनियर्स को काम कराएंगे, चलो बेटा वाउचिंग करो, आओ कैश वाउचिंग, बैंक वाउचिंग, तुम ये करो तुम वो करो. आप क्या करोगे, यू आर डेलीगेटिंग वर्क ओवर देयर. आप ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सीए बन के थोड़ी तुम वाउचिंग करोगे. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीए बन के आप वाउचिंग करोगे, आप क्या करोगे, आप डेलीगेशन ऑफ वर्क करोगे. यू विल मैनेज पीपल, ठीक है. मैनेजमेंट का मैं एक चीज बताऊंगी, मैनेजमेंट को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, मैनेज मेन टैक्टफुली, ठीक है, मैनेज मेन टैक्टफुली, ये मैनेजमेंट होता है. तो आप थर्ड ईयर में जाके मैनेजमेंट सीखते हो कि कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, क्लाइंट्स, किस क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए. थर्ड ईयर में जब आप जाओगे ना, तो पार्टनर भी आपको बुलाएगा, बेटा तू मेरे चेंबर में बैठ, अपने डिस्कशन करते हैं. रिपोर्ट डिस्कशन जो होता है आप उनसे 1-to-1 करोगे. आपको नहीं लगता उससे आप कुछ सीखोगे ज्यादा, जो आप शायद फर्स्ट और सेकेंड ईयर में नहीं सीख पाते थे, ठीक है. तो हर ईयर की एक क्वालिटी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी होती है. जब आप फर्स्ट ईयर करते हो तो आप ऑफिस सपोर्ट सिस्टम का पार्ट, आप वर्क कल्चर वर्क एथिक्स सीखते हो. सेकंड ईयर में आप इंडिपेंडेंटली काम कैसे करना है, बिना किसी से पूछे कैसे काम हमको करना है, ये सेकंड ईयर में आप सीखते हो. थर्ड ईयर में जाके जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जैसे मेरा मैं बताती हूँ, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में अराउंड 9 months I was in a single company, एक listed company की internal audit थी हमारे यहाँ. तो मैं उस company में 9 महीने continuously जाती थी, वहीं पे internal audit करती थी. मस्त timing भी normal था अपना, क्योंकि evening में college था, तो सर निकलना है, college है मेरा, तो आराम से office life एकदम मस्त chilled out. तो जो seniors थे ना, हम बोलता था कि भैया मेरे को तो कुछ feel ही नहीं होता यार, मेरा articleship चल रहा है, क्या आप लोग बोलते हो कि इतना सर ये करके रखे हैं, सर बैंड बजा के रखे हैं पूरा, नहीं मेरे को तो कुछ feel ही नहीं होता है. Time आएगा, तुम्हारा टाइम भी आएगा. तो फिर जब थर्ड ईयर में आया ना, तो रियलाइज हो गया यार अपना टाइम आ गया. अब आ गया अपना टाइम. तो वहां पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं. फिर कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ आपको दे दी जाएगी. अगर इनकम टैक्स का डेडलाइन आ रहा है, तब तो भाई बैंड बज जाते हैं एकदम पूरा. जब थर्ड ईयर में आप आ जाते हो, तो आप एक सीनियर बन जाते हो, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना इज अ वेरी बिग थिंग विच एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट नो, ठीक है. आपको आना ही चाहिए कि आप एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करोगे. लीडरशिप क्वालिटी, ऑब्वियसली आपके अंडर सबॉर्डिनेट सब है, ठीक है, तो आप लीड कर रहे हो, तो हाउ यू शुड लीड. अगर सपोज एक ऑडिट है, आप ऑडिट टीम के आप लीडर बन जाते हो उस टाइम में, तो कैसे लीड करना है. लीडर बनने के लिए भी बहुत वो चाहिए, हर कोई लीडर नहीं बन सकता है. उसके लिए कैपेबिलिटी आपको डेवलप, आपकी डेवलप होती है इन द थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप. अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आई विल कम टू दैट, वी हैव अ स्लाइड ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एज वेल, एंड वी विल टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस एट द एंड. आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे आंसर करूंगी, एटलीस्ट ट्राई करूंगी. तो अभी कोई सोच रहा है क्या कि 1 साल करके छोड़ देंगे, 2 साल करके छोड़ देंगे, नहीं. और आप लोग का तो टेस्ट भी होगा यार, हम लोग के टाइम पे तो टेस्ट वेस्ट नहीं था, तो ठीक है बच जाते थे जो लोग करते थे वैसे, पर आप लोग का टेस्ट वेस्ट भी होगा, उसमें पास होना
भी थोड़ा नेसेसरी है, मैं बताऊंगी उसका भी क्राइटेरिया, वी हैव अ स्लाइड ऑन दैट एज वेल. आ गया, नाम लिया शैतान हाजिर. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट, ये जो आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का टेस्ट होगा वो है. तो मैंडेटरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट एग्जाम आपका मैंडेटरी है ये. अभी कोई बोलेगा क्या कि हम नहीं देगा एग्जाम? एक बार बोलो ना कि नहीं देने का मन है. अरे बोलो ना, देना तुम देना. अरे हम मना नहीं कर रहे, बोलो तो सही कि हम नहीं देगा. हाँ तुम नहीं दोगे तो क्या होगा, आपके जो सीए फाइनल का मार्कशीट है उसमें दिखाएगा नॉट अपियर्ड. उसमें एक सेक्शन रहेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट ग्रेड, वहां पे नॉट अपियर्ड लिखा हुआ रहेगा. तो आप पूछोगे अब इससे लॉस क्या है? इससे लॉस ये है कि जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो लोग क्या देखेंगे? वो लोग ये देखेंगे क्या कि भाई बहुत अच्छा मार्क्स आया है? हाँ ये तो ऑब्वियसली देखेंगे, पर ये भी तो देखेंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना है. इसको तो कोई सीरियसनेस ही नहीं था आर्टिकलशिप को लेके, भाई बैठा ही नहीं एग्जाम में, तो वो नॉट अपियर्ड दिखाएगा. सो इट्स मैंडेटरी, ठीक है, इम्प्लाइड है कि मैंडेटरी है, सब बैठेंगे. आप लोग को पता है क्या इसके बारे में, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट क्या होता है? ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है ये, सब्जेक्टिव नहीं होगा, इतना भी आप लोग का बैंड नहीं बजाएगा. एमसीक्यू बेस्ड होता है, दो लेवल पे होगा, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल. फर्स्ट लेवल विल बी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, और सेकंड लेवल होगा सेकंड ईयर कंप्लीट होने के बाद. थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद नहीं होते, क्योंकि तब तक तो आप शायद सीए बन गए होते हो. थर्ड ईयर जब तक चलता है, क्योंकि 2.5 years बाद आपको पता होगा आप एग्जाम दे सकते हो. तो दो एग्जाम होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत तुक्का वुक्का मार सकते हैं. एवरेज ग्रेड ऑफ बोथ एग्जाम्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर सीए फाइनल मार्कशीट. जो आपको दोनों एग्जाम की एवरेज ग्रेड होगी वो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट की जाएगी. कोई फीस नहीं है, एक बार आप देते हो तो कोई फीस नहीं है. बट सपोज मैंने एक बार एग्जाम दिया, मेरा ग्रेड आया डी. इसमें ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, ABCD. तो मेरा ग्रेड डी आया, ठीक है. अब आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसका अगर कभी डी ग्रेड आ जाता है ना तो हिल जाता है कि भाई कैसे डी ग्रेड आ सकता है, मेरा आ ही नहीं सकता है डी ग्रेड. आई कैन नॉट टॉलरेट कि मेरा डी ग्रेड आ गया. तो अब मेरे को चाहिए इम्प्रूवमेंट, मैं कैसे वापस उसको इम्प्रूव करूं? क्योंकि तुम्हारे पास सीए में तो ऑप्शन होता है ना कि एक अटेम्प्ट में फेल हो गए तो दूसरा अटेम्प्ट हमेशा ऑप्शन रहता है. यहाँ पे भी तो ऑप्शन होना चाहिए ना, मेरा अगर नहीं अच्छा ग्रेड आया तो क्या होगा? तो यू हैव चांसेस ऑफ रीअपियरिंग. आप दो बार वापस से एग्जाम दे सकते हो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ योर ग्रेड, बट दिस टाइम इट्स नॉट फ्री, आपको 200 rupees पे करना होगा, ठीक है. ट्वाइस यू कैन रीअपियर. अब आपका यहाँ पे दो ट्रेनिंग असेसमेंट का दोनों में मैंने डिवाइड किया है. फर्स्ट लेवल होगा फर्स्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर, या आप सब्सिक्वेंट 3 quarters में दे सकते हो. मतलब आपका आर्टिकलशिप अगर जून में खत्म होता है तो आप सब्सिक्वेंट 3 quarters में आप अपना आर्टिकलशिप ट्रेनिंग असेसमेंट का एग्जाम दे सकते हो. इसके लिए आपको इंक्वायरी, मतलब अपडेशन हमेशा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट या पोर्टल्स पे आती रहती है, तो यू हैव टू बी रेगुलर इन दैट कि आप देखते चेक करते रहो कि कब डेट आई एग्जाम की. फिर सेकेंड लेवल, अच्छा फर्स्ट लेवल पहले देखते हैं. फिर ड्यूरेशन इसका 2 hours रहता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है. फर्स्ट लेवल वाला 75 marks का रहता है, ठीक है. हो सकता है आप जब दोगे तो इंस्टीट्यूट कुछ चेंजेस ले आए, बट एज ऑफ नाउ ये 75 marks का फर्स्ट लेवल एग्जाम है. इसमें 2 modules होते हैं, ठीक है. एक ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल सभी के लिए कंपलसरी है. सारे स्टूडेंट्स जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट एग्जाम देंगे उनके लिए ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल इज कंपलसरी. एंड आप कोई भी एक अदर मॉड्यूल चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्टिकलशिप. सपोज मेरे फॉर्म में मेरे को डायरेक्ट टैक्स का बहुत एक्सपोजर था, ठीक है. तो मेरे जैसा इंसान क्या करेगा, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग तो कंपलसरी है, अदर मॉड्यूल में हम डायरेक्ट टैक्स चूज करेगा, क्योंकि आई विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर क्वेश्चंस इफ आई हैव प्रैक्टिकल नॉलेज. तो वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपका 50 marks करेगा, और ऑप्शनल मॉडल जो आप लेते हो वो 25 marks करेगा. और मार्किंग सिस्टम कुछ ऐसा है, 1 mark के 50 questions रहेंगे कंपल्सरी मॉड्यूल से, और 1 mark के 25 questions ऑप्शनल मॉड्यूल से. फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, सेकंड लेवल में अब आप आए हो तो अब आपका 3 modules हो जाते हैं. बाकी चीजें सेम है, ड्यूरेशन 2 hours ही है. अब 100 marks का एग्जाम होगा, पहले 75 का था, अभी 100 का होगा. तो 100 में आपके 3 modules होते हैं, अगेन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग इज कंपल्सरी, और आपको 2 other modules चूज करने. 25 marks ईच रहेगा, 2 other modules चूज करने. उसके मॉड्यूल्स का ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में. इसका भी मार्किंग का सिस्टम है कुछ ऐसा, 30 questions 1 mark ईच एंड 10 questions ऑफ 2 marks ईच कंपल्सरी मॉड्यूल से रहेंगे, और 15 questions ऑफ 1 mark ईच एंड 5 questions ऑफ 2 marks ईच फ्रॉम ईच ऑफ द ऑप्शनल मॉड्यूल. अब यहाँ पे हम 2 choose करते हैं ना, तो दोनों में से 15 questions 1 mark के रहेंगे और 5 questions 2 marks के रहेंगे. नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ऑब्वियसली 100 का अटेम्प्ट तो करना ही. अब कुछ एफएक्यूज है ये कि
चॉइसेस क्या है आपके पास, आप कौन सा मॉड्यूल ले सकते हो. तो फर्स्ट ईयर में आपके पास होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और इंटरनल ऑडिट. आप जिस भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, आपको फर्स्ट ईयर में समझ में आ जाएगा ना कि मेरे को क्या क्या आता है, ऑफिस में हम क्या क्या काम किया है, उसके हिसाब से आप एक मॉड्यूल चूज कर सकते हो ऑप्शनल में. और सेकेंड ईयर में आपका डायरेक्ट टैक्स अगर आप चूज करते हो तो उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल टैक्सेशन एक सेकेंड ईयर आर्टिकल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़ा बहुत इंटरनेशनल टैक्सेशन आता होगा. डीटी में भी है, एग्जाम में भी आएगा, तो आपको थोड़ा आना चाहिए. तो डायरेक्ट टैक्स है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स और इंटरनल ऑडिट. अब ये मैंने बता दिया, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर ग्रेड यू हैव टू चांसेस फॉर रीअपियरिंग. द बेस्ट ऑफ द ग्रेड्स विल बी टेकन. अब जैसे मेरा डी ग्रेड आया था पहले एग्जाम में, फिर सेकेंड बार बैठा तो बी आया, तो कौन सा ग्रेड लिया जाएगा? बी. जो आपका बेस्ट ग्रेड है, तीन बार अगर सपोज मेरा डी आया फिर बी आया, तो बी लिया जाएगा. जो बेस्ट ऑफ द ग्रेड्स है दैट विल बी कंसिडर्ड. और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी है, अगर आपको कुछ क्वेरीज हो इसको लेके तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अब हम बात करेंगे सेकेंडमेंट ट्रांसफर एंड टर्मिनेशन की. सेकेंडमेंट पता है किसी को क्या होता है? सेकेंडमेंट आर्टिकलशिप में सेकेंडमेंट होता है. इसमें क्या होता है कि सपोज मेरा एक सीए फॉर्म है, ठीक है, मेरी छोटी बहन है वो भी सीए कर रही है, आर्टिकलशिप करेगी अब, तो मेरे को कराना है उसको बिग फोर में. सपोज फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ऑल दिस इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, मेरा सीए फॉर्म है भी नहीं, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. तो छोटी बहन को आर्टिकलशिप करना है, मेरे को करवाना है ईवाई में. सपोज ईवाई बोल रहा है कि मेरे पास पार्टनर्स में रजिस्ट्रेशन का लिमिट नहीं है, मतलब एक लिमिट होता है, सीएस का भी एक लिमिट होता है कितने नंबर ऑफ आर्टिकल ट्रेनर्स वो अपने अंडर रख सकते हैं, ठीक है. सपोज अगर मेरा 3 इयर्स से कम का प्रैक्टिस है तो हम एक आर्टिकल रख सकते हैं, मेरा 5 इयर्स से कम है अगर तो हम 2 आर्टिकल रख सकते हैं, ऐसे उनकी भी एक स्लैब होती है, ठीक है. तो ईवाई बोल रहा है कि मेरे पास लिमिट नहीं है कि मैं आपकी बहन को रजिस्टर कर सकूं, मेरा सीए फॉर्म है तो हम मेरे पास लिमिट भी है. तो हम क्या किया, बहन को अपने अंडर रजिस्टर कर लिया, दिखा रहा है कि वो मेरे अंडर है, बट उसको ट्रेन कौन कर रहा है? ईवाई. इसको बोलते हैं सेकेंडमेंट, ठीक है. तो दिस इज अलाउड फॉर अ ईयर, आप 1 साल तक ऐसा कर सकते हो, ठीक है. इफ यू रीड इन द स्लाइड, एनेबल्स एन आर्टिकल ट्रेनी टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एरियाज वेयर द प्रिंसिपल मे नॉट बी इन अ पोजिशन टू प्रोवाइड द सेम इन द ऑफिस ऑफ अनदर मेंबर एंड प्रैक्टिस. ऑब्वियसली खुद का फ्रेटर्निटी में डालेगा ना, दूसरा जगह तो नहीं भेजेगा. ऑन द बेसिस ऑफ अ म्यूचुअली अग्रीड अग्रीमेंट एग्रीगेट पीरियड कैन नॉट एक्सीड 1 ईयर. और कोई डीड ऑफ आर्टिकल्स आपको जैसे फॉर्म 102 एग्जीक्यूट करना पड़ता है आर्टिकलशिप के टाइम, वैसा कोई डीड यहाँ पे जरूरी नहीं है, बस एक स्टेटमेंट होता है एक अप्रूव फॉर्म में, ये भी आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो मैं बताई थी स्टार्टिंग में वहां पे आपको मिल जाएगा. तो ये सेकेंडमेंट होता है. अब आते हैं हम ट्रांसफर्स में. ट्रांसफर और टर्मिनेशन फर्स्ट ईयर तक आप लोग सबको ही पता है, इतना आर्टिकल लोग अपने काम का जितना बात है सबका नॉलेज हम लोग को होता ही है. ट्रांसफर फर्स्ट ईयर तक विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आप ले सकते हो. बट सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो कुछ सर्टेन सिचुएशंस हैं इंस्टीट्यूट की प्रिस्क्राइब्ड, उसी केसेस में आप ट्रांसफर ले सकते हो, ठीक है. फर्स्ट ईयर में अगर आप लेते हो तो आपको एक फॉर्म 109 है वो सबमिट करना पड़ता है, कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी को अगर देखना है तो. और परमिटेड ओनली इन सर्टेन सिचुएशन इन इफ यू वॉन्ट आफ्टर द फर्स्ट ईयर. तो इसमें एक एप्लीकेशन जरूरी होता है. इसमें क्या प्रोसेस होता है, स्टूडेंट और प्रिंसिपल एक एक एप्लीकेशन लिखते हैं इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट उसको विद इन 30 डेज अप्रूव करती है कि आपका केस उसमें फॉल कर रहा है नहीं कर रहा है. कुछ भी लिख के दे दिया तो वेरीफाई तो करेगा ना कि उसमें फॉल करता है नहीं, तो वो वेरीफाई करेगा विद इन 30 डेज, आपको रिप्लाई करेगा. उसके बाद आप फॉर्म 109 जो पहले भी आप सबमिट कर किए हो, अगर 1 साल के पहले लेते हो तो आप फॉर्म 109 वापस से सबमिट करोगे. तो सिचुएशंस क्या है जहां पे आप ट्रांसफर ले सकते हो इवन आफ्टर योर फर्स्ट ईयर. मेडिकल ग्राउंड्स रिक्वायरिंग डिसकंटिन्यूएंस, मेरी कुछ बहुत ही क्रिटिकल हेल्थ इश्यू हो गई है, आई कैन नॉट कंटिन्यू विद माय आर्टिकलशिप, तो दिस इज अ वेरी जेन्युइन रीजन. तो यहां पे ट्रांसफर इज अलाउड आफ्टर द फर्स्ट ईयर, अगेन विद दैट एप्लीकेशन क्राइटेरिया कि आपको एप्लीकेशन लिख के देना होता है प्रिंसिपल को भी. फिर ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स टू अनदर सिटी, अगर आपके पेरेंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरी सिटी में तो आप रह सकते हो उनके बिना तो वेल एंड फाइन, अगर आपको भी जाना है उनके साथ तो आपको वो ट्रांसफर लेना होगा, उस सिटी में आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. तो ये भी एक केस है जहां पे ट्रांसफर इज अलाउड. मिसकंडक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, अगर आपका सीए फॉर्म में आपने कुछ मिसकंडक्ट किया है तो आपका
जो प्रिंसिपल है वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टर्मिनेशन और ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है, ट्रांसफर में अगर सपोज हम 6 मंथ्स एक जगह सर्व किया है तो वो मेरा आर्टिकलशिप पीरियड में काउंट होगा, टर्मिनेशन अगर हो गया है तो वो 6 महीना भी काउंट नहीं होगा, कंसिडर किया जाएगा कि हम आर्टिकलशिप किया ही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट केसेस अदर सर्कमस्टांसेस, इसमें आता है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जिसके बारे में बात कर रही थी राशि, वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में हम बात करेंगे। फिर सेकेंडमेंट, अगर आप सेकेंडमेंट लेते हो तो आपका ट्रांसफर वाला केस हो जाता है। डेथ ऑफ प्रिंसिपल, इफ योर प्रिंसिपल डाइज तो आपको ऑब्वियसली ट्रांसफर लेना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल सीजिंग प्रैक्टिस, योर प्रिंसिपल हैज सीज टू प्रैक्टिस, तो अगेन इस केस में भी आपको ट्रांसफर लेना होगा। तो ये वो केसेस हैं जहां पे आप फर्स्ट ईयर के बाद भी ट्रांसफर ले सकते हो। मैरिज बेसिस फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, अगर आपकी शादी हो जाती है एंड योर इन लॉज आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस मोर देन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी इन विच यू आर रजिस्टर्ड, तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। इरेग्युलर स्टाइपेंड पेमेंट्स, अगर आपके प्रिंसिपल स्टाइपेंड पेमेंट इरेग्युलर कर रहे हैं तो इस केस में भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पे बहुत एविडेंस वगैरह देना पड़ता है, आपको एविडेंस देना पड़ेगा, ऐसे ही लिख के दे दिया कुछ भी थोड़ी चलेगा, ठीक है। तो ये सब ट्रांसफर के केसेस हैं। नाउ वी कम टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो पूछ रहे थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर हम करते हैं तो हम मेरा थर्ड ईयर लेवल वाला क्वालिटीज डेवलप नहीं होगा। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में प्रोज एंड कॉन्स पहले हम पढ़ेंगे इसके क्या होते हैं। स्पेशलाइजेशन इन कोर एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, अच्छा बिफोर गोइंग इन टू दिस एनी वन ओवर यर वुड लाइक टू शेयर की क्या नॉलेज है आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है, आर्टिकल शिप भी तो ट्रेनिंग है, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होता है। वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन आर्टिकलशिप एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आर्टिकलशिप में क्या होता है, यू ज्वाइन अ सीए फर्म, आप सीए फर्म का पार्ट बन जाते हो, तो आईटीसी मे बी वन ऑफ योर क्लाइंट्स ऑफ योर सीए फर्म, बट व्हेन यू ज्वाइन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू आर अ पार्ट ऑफ आईटीसी इटसेल्फ, यू आर अ पार्ट ऑफ आईटीसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे सीए जब आप आर्टिकल थे, आर्टिकलशिप में आप जाके आईटीसी का ऑडिट करते थे फॉर एग्जाम्पल, बट जब आप आईटीसी में एज इंडस्ट्रियल ट्रेनी ज्वाइन करते हो तो मे बी आपको वहां के कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्लेस कर दिया जाएगा, मे बी आपको वहां के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में प्लेस कर दिया जाएगा। यू विल वर्क फॉर आईटीसी नाउ, यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सीए फर्म, ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो इसमें आपको स्पेशलाइजेशन का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। आपको अगर एक डिपार्टमेंट में रख दिया जाए, और आपकी वर्किंग आवर्स भी इसमें ज्यादा होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा होती है। जैसे वन ऑफ माई कलीग वॉज डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन टाटा मेटालिक्स, ठीक है, टाटा मेटालिक्स में वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट पूरा देखते थे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो काम होता है। तो एक बार उनसे बात हो रहा था, तो हम भी बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का ऑडिट किया है, ठीक है। तो हम पूछा कि भैया आप, मतलब मेरे ही सीए फॉर्म के थे और वो फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किए थे, तो बात हो रहा था उनसे, तो पूछा कि भैया हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन का ऑडिट करते हैं और आप जो देखते हो उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिक वो मेरे को एक छोटा सा चीज बताया था जो मेरे को याद आ रहा है अभी, कि अपने तो कभी ये नहीं देखते थे ना कि कौन से ट्रांसपोर्टर को पहले पेमेंट करना है, तुम कभी ये डिसाइड करती थी कौन से ट्रांसपोर्टर को पहले पेमेंट करना है। अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सपोज ऑडिट कर रहे हैं तो हम तो कभी ये नहीं डिसाइड किया ना कि इसको पहले पेमेंट रिलीज करना है या कितना पेमेंट करना है, किससे कैसे डील करना है। तो हम वहां पे वो करते हैं, वो मेरे को बताया कि मेरे को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से ट्रांसपोर्टर को पहले पेमेंट रिलीज करना है, किससे क्या बात करना है, किसका स्टेटस क्या है, सब कुछ मेरे को देखना पड़ता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पूरा आप पे आ जाता है, तो आपका वो क्वालिटी कभी भी, ठीक है ना, कैन लीड टू इजी प्लेसमेंट इन फ्यूचर। ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा ऑब्वियस है ये, मतलब जो मैं क्राइटेरिया बता रही थी ना, रैंक होल्डर्स, फिर जो बिग फोर से आर्टिकलशिप किए हैं, फिर जिन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाले बहुत ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, ठीक है। अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, मतलब आपका एक्सपोजर जो है प्रैक्टिकल वो बहुत ही अच्छा रहा है और एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है। फिर बेटर स्टाइपेंड, ऑब्वियसली आपकी वर्किंग आवर्स ज्यादा होती है इसमें, ठीक है, 9 to 7 आप समझ सकते हो या 10 to 7 समझ सकते हो, उससे ज्यादा तो होती है, ठीक है, जाने का टाइम तो अगेन फिक्स वही लोग करते हैं, तो बेटर स्टाइपेंड भी मिलता है, जितना काम करोगे उतना पैसा तो लोगे ना, या कर लोगे बिना पैसा काम, कोई नहीं करेगा,
ठीक है, करते हैं आर्टिकलशिप में, वो बात अलग है, पर वो तो फिर कॉन्स में आता है आपका लेसर टाइम फॉर स्टडीज। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो तो हमेशा आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको पढ़ाई के लिए सही में बहुत कम टाइम मिलेगा। आपको हो सकता है एक टर्म अपना डेफर करना पड़े, ठीक है, मतलब अगर आप नवंबर 21 में अपियर करना चाहते हो तो आप फिर मई 22 में अपियर करोगे, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें होता क्या है, आपको ट्यूशंस के लिए अप्रोप्रिएट एडिक्वेट टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुबह 9 बजे निकलते हो घर से, रात को 10 बजे 11 बजे आते हो, तो कर पाओगे क्या क्लासेस? मतलब पेन ड्राइव वाला तो चलो थोड़ा जुगाड़ बुगाड़ करके कभी टाइम मिला कर लिया, नहीं किया करके कोई एक दो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, पर ज्यादा नहीं हो पाता है। तो आपको ये एक बहुत बड़ा कौन मैं बोलूंगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का होता है कि डेफरमेंट ऑफ टर्म्स होता है। जैसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु हैव डन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम आईटीसी, तो सबका टर्म मेरे साथ ड्यू था, बट एवरी वन गिव इन देयर नेक्स्ट टर्म, क्योंकि पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिला। आप बिना पढ़े कैसे जा सकते? ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है, हम लोग अंडरग्राउंड होता है कॉन्फिडेंस लेवल सीए वाले लोग का, ठीक है, ऊपर से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हुआ, तो कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम बैंड बजा हुआ रहता है, तो आपको डेफर करना ही पड़ता है। मतलब अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो कि आप सब मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं है, ठीक है, करने वाले तो सब कुछ करते हैं, बट अगेन आपको अपना पोटेंशियल अपना कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के डिसाइड करना है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना। यस, एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस? ठीक है, और इंटरनल ऑडिट था, तो अगर आप ऑडिट किए हो तो आप इंटरनल ले सकते हो, इंटरनल ऑडिट। हाँ ठीक है। देखो इसके लिए क्या है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं आर्टिकलशिप के लिए भी बोलूंगी और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी बोलूंगी। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो या कोई फर्म ज्वाइन करते हो, उसके ऊपर आपको रिसर्च करके ज्वाइन करना चाहिए। कोई भी बोल दिया कि सब कोई आईटीसी में कर रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, चलो आईटीसी में करते हैं, ठीक है, सबको आईटीसी दिमाग में आता है कोलकाता वाले लोग को, पर सिर्फ आईटीसी नहीं है, आप एक्सप्लोर करो ना, इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट दी है इतनी लंबी चौड़ी, क्यों दी है आपको, ताकि यू शुड बी अवेयर कि कौन कौन करवा रहा है, ठीक है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, शी डिड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन सम अदर कंपनी, एक छोटी कंपनी थी, मतलब इतनी बड़ी नाम नहीं सुना होगा आपने, सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड बोल के, उसने वहां से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, बट शी हैज सो मतलब इतना इनडेप्थ नॉलेज उनको फाइनेंस का है, क्योंकि वो पूरा 12 महीना फाइनेंस डिपार्टमेंट में रही थी। शी वॉन्ट्स हर करियर इन फाइनेंस ओनली, तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में, मतलब शी डिड रिसर्च, उन्होंने रिसर्च करके वो कंपनी चूज की, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखा। अब आप उनसे एलसीज के बारे में पूछ लो, बैंक लोन कैसे सैंक्शन होते हैं, सब कुछ उनको इनडेप्थ नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में प्रैक्टिकली वो सब किया है। और अनदर फ्रेंड जिसके बारे में मैं बताई थी, टाटा मेटालिक्स में उन्होंने किया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आईटीसी है आपके पास एक ऑप्शन है, यू कैन एक्सप्लोर द, मैंने लिस्ट बताई, ये आपको लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। प्लीज दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, या फिर अगर ऑप्शन ही नहीं हो तो वो आपको इंटरव्यू जब आपकी होगी तब वहां पे आपको 1-to-1 उनसे इंटरेक्ट करके बात करनी होगी। जनरली दे प्लेस इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, बट इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? एनीवन एल्स? प्लीज पूछो यार, पूछो कुछ तो पूछो, मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, हो सकता है मेरे को ही नहीं पता होगा, कल बताऊंगी मैं सर्च करके, रिसर्च करके। कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन? एनीवन? आरके कोठारी? मेरे को नाम थोड़ा याद नहीं है अभी, हाँ 2-3 लोग का याद हुआ है, हो जाएगा कल तक हो जाएगा। हाँ हाँ श्योर श्योर। हाँ सॉरी आई कुडंट गेट यू, एक बार रिपीट करो। हाँ 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 तो ऑपोजिट हो गया। ऐसे तो आप कितना सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना, आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, हर हर फील्ड में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ी मिलता है। आपने कैपिटल मार्केट्स इलेक्टिव में इसलिए चूज किया बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल मार्केट्स। अब आपको अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में फाइनेंस में प्लेस कर दिया, अकाउंट्स में प्लेस कर दिया कॉर्पोरेट फाइनेंस में, तो ठीक है, आपको आपको दो चीज की नॉलेज हो रही है ना, आप ये देखो। और ये चॉइस तो ऐसे भी आप शायद एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे करते हो, है ना?
चेंज भी कर सकते हो, चेंज का भी ऑप्शन रहता है। क्यों डिपेंडेंट क्यों? आपको स्पेशलाइज, यू आर सी सी एस की यही तो क्वालिटी होती है कि आप स्पेशलाइज एक चीज में करते हो बट आपकी जो होराइजन है, नॉलेज होराइजन है, वो बहुत वाइड होती है। मैं इसको एक टी शेप रेफर करती हूँ, ठीक है। टी जैसे होते हैं हम सी एस, कि हमको एक चीज की इनडेप्थ नॉलेज होती है बट एरियाज जो होती है बहुत वाइड होती है। वी हैव नॉलेज ऑफ टैक्सेशन, हम ऑडिट भी पढ़ते हैं, हम अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, हम लॉ भी पढ़ते हैं, तो हमारा हमेशा एक टी शेप रहता है। तो आपका कैपिटल मार्केट से वो इनडेप्थ चला जाता है बट आपको नॉलेज, हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ बट देन इफ यू, आपने अगर कैपिटल मार्केट्स चूज किया है तो इलेक्टिव में, तो आपका इंटरेस्ट है कैपिटल मार्केट्स में, मतलब आपको प्रैक्टिकल, मतलब जॉब भी आप कैपिटल मार्केट्स फील्ड में देखोगे। तो जब इंटरव्यूज आपकी होगी तो इंटरव्यूअर ये चीज देखेगा कि हाँ इन्होंने कैपिटल मार्केट चूज किया है, तो इनका ओरिएंटेशन उसी चीज में है। और इसकी डिटेल्स ना आपको कल के सेशन में और अच्छे से मिलेगी, टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन वाला जो सेशन होगा उसमें इसके बारे में बहुत चर्चा होगी, ठीक है। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? प्लीज पूछ लो अगर कुछ पूछना, मन में नहीं रखना चाहिए यार कभी भी, फिर घर जाके सोचेगा यार काश पूछ लेता, ये चीज क्लियर हो जाता, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ श्योर श्योर, एक ही जन पूछा, एक ही जन सुनाएगा मेरे को पूरा इतना लोग में। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ राइट राइट, एकदम सही है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा, थोड़ा सा लेट मतलब कल मिलेगा। कल जो ऑडिट का सेशन हमारा होगा उसमें आर फर्स्ट टॉपिक इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव सेड, ठीक है। हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको एकदम नॉलेज नहीं है कोई चीज की, हाउ टू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वन एल्स, आप अपना खुद का काम इंडिपेंडेंटली कैसे स्टार्ट करोगे उसके बारे में एग्जैक्ट, और वो सेशन भी मैं ही ले रही हूँ, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, एनी वन? तो अब मैं एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मैं इंडिविजुअली एक एक जन से पूछना चाहती हूँ, एक टेक अवे बताओ आज के सेशन से, एक चीज जो नई सीखी आपने या जो अच्छी लगी मेरी आपको, और एक चीज जो नहीं अच्छी लगी, मतलब वेयर शुड आई इम्प्रूव माई सेल्फ, फटाफट एक एक करके जो भी पहले बोलना चाहते हैं स्टार्ट। अच्छा ये टेक अवे था, ओके अच्छा लगा आपको। और क्या चीज नहीं अच्छी लगी मेरी? आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट एक्चुअली ये सेशन हमने थोड़ा सा सीए, हाँ क्योंकि ठीक है ओके, वील वर्क ऑन दिस डेफिनेटली। नेक्स्ट सर प्लीज। वो आपका कोई इतना मैटर नहीं करेगा कि आपने स्मॉल फॉर्म से की है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आपकी ट्रेनिंग ही होगी, आप वहां जॉब के लिए नहीं जा रहे हो, तो आपका जब वहां पे इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए आपको वेल प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, ऐसा केस अगर होता है तो आप 10 जगह अप्लाई करो, मैं ये बोलूंगी आप ट्राई करो और जगह। जैसे बिग फोर के केस में ये होता है, देखो उनका अपना, हाँ उनका अपना क्राइटेरिया होता है, तो वो क्राइटेरिया में आप अगर नहीं फॉलो करोगे तो ठीक है। वन टेक अवे एंड वन नेगेटिव थिंग दैट यू फाउंड अबाउट दिस सेशन। सब सही लगा, थैंक यू सो मच, सब सही लगा। प्लीज क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूवमेंट, मैं ये मानती हूँ। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज करोगे तब जब नेक्स्ट हम ये प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे आपके जूनियर्स के लिए तो वो और बेटर हो पाए, इसलिए मैं ये टेक अवे और क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट पूछ रही हूँ। ऑल वॉज वेरी गुड, आप तो सो रहे थे बहुत टाइम, आप बता सकते हो।
तब सुना था, सो नहीं रहा था. ओके ठीक है. एग्जैक्टली. हाँ थैंक यू. अच्छा ओके ओके. इन दैट केस हाँ मैंने ये बोला नहीं, बट आपके फोल्डर्स में एक ब्लैंक शीट दी हुई है, तो जब भी कोई क्वेश्चन अराइज हो आपके माइंड में आप लिख सकते हो. तो नेक्स्ट सेशंस में आप ये चीज फॉलो कर सकते हो. देयर इज अ ब्लैंक शीट इन द फ्लैप, आपका फ्लैप जो है फोल्डर का, उसमें एक ब्लैंक शीट है. आप कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो या कुछ भी नोटिंग आपको करनी है अपने पर्पज के लिए, तो आप उसमें कर सकते हो. सॉरी फॉर दैट. नहीं फटाफट लिख लो ना, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लो क्या पूछना है. अच्छा हाँ ठीक है, चला जाएगा. आई अग्री. पर हाँ पीपीटी आपके साथ शेयर किया जाएगा, और प्लस एटलीस्ट आप अवेयर तो हो ना. कभी आप नेक्स्ट टाइम सुनोगे तो ऐसा नहीं होना कि एकदम से नया आ गया. आप पता रहेगा आपको कि ये क्या चीज है. हाँ ये भी पीपीटी हम आपके साथ शेयर करेंगे. नेक्स्ट तो वन एट द बैक. आप तो थोड़ा लेट आए थे ना. अच्छा ठीक है, चलिए चलो कोई नहीं. ओके थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग. थैंक यू सो मच. गाइस अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर समीक्षा. Thanks for sharing the amazing feedback, valuable feedback. It will definitely help us to improve our next induction program. You can leave for a break for 5 minutes. We have pantry towards the, if you just leave from this gate, just straight, you'll find our pantry. You can have something, okay? For, I think 5 minutes break, and then we'll be starting our next session, okay?